गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बैठो 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 यार, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया। चलो जी स्टार्ट करें फिर क्लास। लास्ट क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? वैसे लास्ट क्लास हमने खास कुछ किया नहीं था, सिर्फ एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था आपके सिलेबस में क्या क्या है टैक्सेशन के अंदर। एक बार फटाफट से पहले उसकी रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो आज के बैलेंस पॉइंट हैं आज वो हम स्टार्ट करेंगे जी। लो जी इधर देखना ध्यान से। अब अगर मैं आपके सिलेबस की बात करता हूँ ना, तो आपके सिलेबस के अंदर मैंने कहा था कि जो आपके सीए इंटर का टैक्सेशन होगा उसमें टोटल हमें दो टैक्स कवर करने होंगे। एक तो हमारे एग्जाम में होगा डायरेक्ट टैक्स, एक हमारे एग्जाम में होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा तो वैसे मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स में ना आपके दो टैक्स आते हैं, एक तो आपका आता है इनकम टैक्स और एक सेकंड आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। बट वो इंटरनेशनल टैक्स हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। इट मीन्स हमारे एग्जाम में डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम टैक्स आएगा, जिसकी वेटेज जो होगी वो 60 नंबर की होगी। सेकंड मैंने कहा था ये आपका एक होगा आईडीटी, उसके आपके अंदर दो टॉपिक आते हैं जीएसटी एंड कस्टम। अगेन दोबारा से हमारे एग्जाम में कस्टम एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा 40 नंबर के अंदर। और पेपर हमारा 70-30 की रेशियो में आएगा, मतलब 70% हमारे प्रैक्टिकल होंगे, 30% हमारे एमसीक्यूज होंगे। ये बातें हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि इनकम टैक्स में ना आपके काफी सारे चैप्टर्स हमारे सामने आएंगे, जिन चैप्टर को हमें समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैंने कहा था कि आपका एक चैप्टर होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसके अंदर आपको टैक्स निकालना आएगा। आपने मे बी एक टर्म सुनी होगी सरचार्ज कैसे लगता है, सेस कैसे लगता है, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल की, कंपनी की, वो सारी बातें हमारे चैप्टर नंबर वन के अंदर आती है। सेकंड चैप्टर जो हमारा होगा दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें पता लगेगा कि कब कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, कब नॉन रेजिडेंट बनेगा, वो सारी बातें आपके यहाँ पर आती हैं। और कब कोई पर्सन इंडियन सिटीजन बनेगा, फॉरेन सिटीजन बनेगा, वो भी आपके चैप्टर नंबर टू के अंदर आएंगे। इन दोनों को मिलाकर 15 मार्क्स तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने कहा था कि आपका अकाउंट्स और इनकम टैक्स में फर्क क्या होता है, कि अकाउंट्स में आप सारे खर्चे डेबिट कर देते हो, सारी इनकम क्रेडिट कर देते हो, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इट मीन्स इनकम टैक्स में गवर्नमेंट कहती है कि इनकम आएगी कहां से वो नहीं पता, बट इनकम के जाने के 5 हेड होते हैं। इट मीन्स या तो तुम्हारी इनकम जाएगी सैलरी में, या वो इनकम जाएगी हाउस प्रॉपर्टी, या वो इनकम पीजीपी, या वो इनकम कैपिटल गेन। और अगर वो इनकम इन चारों में कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी ना, तो वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्स में जाती है। इट मीन्स आज इंडिया में जितने भी लोग हैं वो जब भी इनकम अराइज करेंगे, अराइज करने के सोर्स अनलिमिटेड होते हैं, बट इनकम के जाने के सोर्स लिमिटेड होते हैं। अब सर एक बात मैंने सोच के बोला, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो आपके फादर को ना बहुत सारी जगह से इनकम आ रही है। अब अगर आपके फादर को अनलिमिटेड सोर्स से इनकम आ रही है ना, तो अनलिमिटेड सोर्स से इनकम आने के बाद भी उनकी इनकम इन 5 हेड में टैक्सेबल होगी। या तो इनकम पापा की सैलरी हेड में डालेंगे, या हाउस प्रॉपर्टी, या बिजनेस, या कैपिटल गेन, या अदर सोर्स। अब फर्क पता क्या पड़ेगा, इन 5 हेड में इनकम जिस हेड में भी टैक्सेबल होंगी ना, उसके प्रोविजन बिल्कुल अलग अलग है। इट मीन्स गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हारी इनकम सैलरी की है तो रेट तुम्हारे अलग लगेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में रेट अलग लगेंगे, बिजनेस में अलग लगेंगे। तो क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है कि इनकम मेरे किस हेड की है। उसके बाद मैंने कहा था कि 5 हेड जो होंगे ना, वो अप्रोक्सीमेट आपके 18 नंबर तक के आते हैं। फिर एक चैप्टर हमारा आएगा क्लबिंग सेट ऑफ और डिडक्शन। क्लबिंग का मतलब क्या होता है, आपको मैंने कल 3 टर्म्स बताई थी कि आज लोग टैक्स बचाने के लिए या तो टैक्स प्लानिंग करते हैं, या वो टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, या वो टैक्स इवेजन करते हैं। अब इसमें से ना प्लानिंग जो है वो भी लीगल है, अवॉइडेंस जो है वो भी लीगल है, इवेजन जो है वो इलीगल है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने खुद मुझे कहा है कि अगर तुम पैसा यहां पर लगा दोगे ना, तुम्हारा टैक्स बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन 10 आएगा हमारा इनकम टैक्स में, वो सारा ना एग्जम्पशन का है। और एक सेक्शन 80 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, LIC करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, PPF के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर दो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे उस पैसे पर हम टैक्स चार्ज ही नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, सर जब भी लॉ बनता है हर बजट में अमेंडमेंट आती है, उस अमेंडमेंट में कई बार क्या होती हैं, कमियां होती हैं, उस कमी को क्या करते हैं सीए लोग पकड़ लेते हैं, उस कमी को यूज करके फिर टैक्स बचाते हैं, उसको हम अवॉइडेंस बोलते हैं। और सर एक बात सोच के बोलना, अगर किसी सीए ने टैक्स की अवॉइडेंस की तो क्या उसने गलत किया? उसने गलत कुछ नहीं किया, उसने लॉ में जो कमी है उसको पकड़ के टैक्स कम किया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये भी लीगल है। अब बच्चा ये बात कहता है, सर अगर प्लानिंग भी लीगल है और अवॉइडेंस भी लीगल है, फिर दोनों के अंदर फर्क क्या है? प्लानिंग तो गवर्नमेंट ने खुद मुझे कहा है टैक्स कम कर दो, अवॉइडेंस गवर्नमेंट ने खुद मुझे नहीं कहा कि टैक्स कम कर दो, वो मैंने कमी ढूंढी है। और सेकंड बात, प्लानिंग आप खुद समझदार हो सर, अगर गवर्नमेंट ने खुद मुझे कहा कि तुम यहां पर पैसा लगाओगे तुम्हारा टैक्स बच जाएगा, तो प्लानिंग क्या होगी, शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग टर्म होगी? ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म होगी। बट अवॉइडेंस जो होगी ना वो ऑलवेज क्या होगी, शॉर्ट टर्म होगी। शॉर्ट टर्म मैं क्यों कह रहा हूं, एक बात सोच के बताना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने लॉ में कमी ढूंढ ली, उस कमी को यूज करके मैंने टैक्स कम किया,
गवर्नमेंट को पता लग गया कि ऐसे लोग टैक्स कम कर रहे हैं, तो क्या अगले बजट में अमेंडमेंट आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। यस आ जाएगी, तो वो क्या बन गई? शॉर्ट टर्म बन गई। और इवेजन आप सब जानते हो, इवेजन का मतलब चोरी है। जिस दिन पकड़ी गई उस दिन इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, वो सारी बातें आपकी इवेजन के अंदर आती हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा था एक बात मुझे बताना। अब जैसे क्या होता है, एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम का, उस क्लबिंग के अंदर क्या होगा आप सोच के बताओ सर। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोगों की इनकम ना 30% के दायरे में आती है। हम इनकम टैक्स जब स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बताऊंगा, आपके इनकम टैक्स के ना 3 स्लैब रेट होते हैं। मतलब 5% टैक्स लगता है, या तो 20% लगता है, या वो लगता है 30%। ठीक है जी। अभी जो नए स्लैब रेट आए हैं इस बजट में, वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 3 स्लैब रेट लगेंगे, या तो 5% या 20% या 30%। अब गवर्नमेंट कहते हैं जिन लोगों की इनकम 10 लाख से ऊपर होगी ना, वो टैक्स पे करते हैं 30% के दायरे में। एक बच्चे के फादर साहब की इनकम 30% के दायरे में आती है और बच्चा कहता है सर मेरे फादर का ना टैक्स बचा दो, तो उस केस में क्या होगा, उनके फादर की इनकम हम दूसरे लोगों का डाइवर्ट करते हैं। उस डाइवर्जन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक चैप्टर बनाया था क्लबिंग ऑफ इनकम, कि अगर किसी पर्सन ने इनकम डाइवर्ट की होगी ना, वो सारी इनकम हम दोबारा से आप में ही एड बैक कर देंगे। उसके बाद फिर एक चैप्टर आएगा हमारे यहाँ पर सेट ऑफ का। सेट ऑफ का मतलब क्या है, लेट्स से एक बच्चा कहता है मेरे फादर के ना 2 बिजनेस हैं, एक बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे से लॉस आ रहा है। तो अगर आपके फादर के बिजनेस से लॉस आ रहे हैं, आपके फादर ने कोई घर की प्रॉपर्टी बेच दी, उसमें लॉस आ गया, कैपिटल गेन में लॉस आ गया, ठीक है। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपके फादर को कैपिटल गेन में लॉस है, बिजनेस में लॉस है, किसी भी हेड में लॉस है, उस लॉस को किस इनकम से खत्म कर सकते हो, वो सारी की सारी बातें सेट ऑफ में आएंगी। फिर एक चैप्टर हमारा डिडक्शन का जी, वही डिडक्शन का मतलब क्या है, एक पर्सन के फादर ने बोला जी मेरी इनकम ना 20 लाख रुपए है, मैं इनकम कम करना चाहता हूँ, टैक्स कम करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऐसा करो इस 20 लाख में से कुछ पैसा यहाँ पर लगा दो, उस पैसे पर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिडक्शन। तो एक सेक्शन 80C से लेकर 80U तक ये सारी पूरी चेन है कि अगर किसी पर्सन ने यहां यहां पैसा लगा दिया ना, उस पैसे पर टैक्स चार्ज ही नहीं होगा, उसको हम डिडक्शन का नाम देते हैं। ये तीनों मिलाकर आपके एग्जाम में 12 नंबर तक के आते हैं। अब सोच के बोलना, एक टर्म मैंने आपको कल बताई थी कि जब भी कोई इंडिया में रहने वाला आदमी इनकम टैक्स पे करता है ना, वो इनकम टैक्स पे करता है टोटल इनकम पर। और टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 5 हेड की इनकम, फिर प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनस में लॉस, वो निकल के आती है ग्रोस टोटल इनकम, फिर माइनस करते हैं डिडक्शन, फिर निकल के आती है टोटल इनकम। तो उस टोटल इनकम पर टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालनी है, एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 8 या 10 नंबर का, वो आपके एग्जाम में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। इट मींस जब ये हमारे ऊपर वाले सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर हमें निकालनी पड़ेगी टोटल इनकम और टैक्स, वो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। देन फिर एक चैप्टर आएगा एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है आपको मैं बताऊंगा इनकम टैक्स जब स्टार्ट करेंगे, कि इनकम टैक्स में एक रूल होता है कि जिस साल आप इनकम कमाते हो उस साल टैक्स पे नहीं करना होता, उससे अगले साल टैक्स पे करना होता है। बट कुछ लोगों को गवर्नमेंट ये बात कहती है कि तुम्हें अगले साल टैक्स पे नहीं करना, तुम्हें एडवांस में ही टैक्स पे करना है। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें एडवांस में ही टैक्स देना पड़ता है? इट मीन्स गवर्नमेंट पता है क्या बोलेगी, अभी तुमने इनकम नहीं कमाई, तुम एस्टिमेट करो इस साल कितना पैसा कमाओगे, उस एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स निकाल लो, और जो तुम्हारा टैक्स आएगा वो तुम हमें पे कर दो, उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। अब एडवांस टैक्स कौन पे करता है, क्यों पे करता है, गवर्नमेंट क्यों कॉन्सेप्ट लाई, वो सारी बातें हमारी उस चैप्टर में आएंगी। फिर एक चैप्टर हमारा टीडीएस का बनेगा। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आर फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फीस पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, उन पर टीडीएस कटता है। तो टीडीएस किस रेट से कटता है, कितनी वैल्यू के बाद कटता है, वो सारी बातें हमें वहां पर पढ़नी है। देन फिर एक चैप्टर मैंने कहा था रिटर्न का। आपको सुना होगा लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, अलग अलग फॉर्म में रिटर्न फाइल करते हैं। एक बच्चे ने कहा मेरे फादर की सैलरी की इनकम है तो रिटर्न फाइल करनी है, कौन सा फॉर्म नंबर है? सर मेरे फादर की बिजनेस की इनकम है, रिटर्न फाइल करनी है, कौन सा फॉर्म नंबर है? तो वो सारी की सारी बातें रिटर्न के चैप्टर में आती है। तो ये सारे चैप्टर जो है ना, ये इनकम टैक्स में हम तब कंप्लीट करेंगे जब इनकम टैक्स हम स्टार्ट करेंगे। बट एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि हमें इनकम टैक्स में ये चीजें पढ़नी है। और मे बी अगर आपको कल की क्लास ध्यान आ रही हो, जो लास्ट क्लास ध्यान आ रही हो, उसके अंदर मैंने कहा था कि आपको सीए इंटर में ना क्या सीखने को मिलता है, कि एक आदमी का टैक्स निकाल दो और उसकी रिटर्न फाइल कर दो। अब रिटर्न फाइल करने के बाद क्या होगा, वो सारी बातें सीए फाइनल में आपको सीखने को मिलेंगी। इट मींस रिटर्न फाइलिंग करने तक का काम हमारा है, उसके बाद असेसमेंट डिपार्टमेंट हमें हमारे साथ क्या करेगा, और अगर वो हमारे साथ गलत करेगा हमारे पास क्या क्या रेमेडी होंगी, वो सारी बातें सीए फाइनल में आएंगी, ठीक है नी। उसके बाद फिर सेकंड जो हमें आज मेनली स्टार्ट कर देना है, सेकंड मैंने कहा था 40 नंबर में आपका जीएसटी है। अब सर एक बार दोबारा से बोल देना, जीएसटी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नॉट सर्विस टैक्स। इट मींस जीएसटी का मतलब क्या होगा, एक ऐसा टैक्स जो गुड्स पर भी लगेगा, सर्विस पर भी लगेगा, और अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों की सप्लाई करोगे ना तो भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब आपके इंस्टीट्यूट ने, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई ने ना जीएसटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
सेक्शन नंबर 1, 2 एंड 3, सेक्शन नंबर 1 में वो ये बात बोलता है कि जो जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे ना हम बच्चों से वो डिस्कस करेंगे 20 नंबर के अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि भाई जीएसटी सब जानते हैं 1 जुलाई 2017 को आया, उससे पहले ना बहुत सारे टैक्स थे, तो उन टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी जिसको दूर करने के लिए जीएसटी आया, और क्या वो अब प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो ये सारी की सारी बातें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आएंगी, 20 नंबर के अंदर आएंगी। सेकंड ये बात कहता है सेक्शन नंबर 2 कि अगर तुम्हें पता लग गया कि इंडिया में जीएसटी आ गया, अब जब वो जीएसटी आ गया तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे, वो सारी बातें सेक्शन नंबर 2 का मैटर है। और फिर तीसरा ये बात कहता है कि जब तुम्हें वैल्यू पता लग गई, जब तुमने जीएसटी को रेट से मल्टीप्लाई करके जीएसटी निकाल दिया, उस जीएसटी की पेमेंट कब करनी है, तुम्हें रिटर्न कब फाइल करनी है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, इट मींस कंप्लायंस वाले सारे काम जो होंगे वो सेक्शन नंबर 3 के अंदर आएंगे। तो तीन सेक्शन में हमारा जीएसटी बटा हुआ है जी, इन तीनों में हमें अपना जीएसटी कंप्लीट करना है। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, अमेंडमेंट्स। अब सब जानते हो सर अमेंडमेंट्स आपके टैक्स में बहुत सारी आती हैं, अभी इस बार भी बजट आया है, और आपको मैंने पहले भी कहा था पिछली बार तो 3 एक्ट आए थे, 2019 में जब इलेक्शन थे ना आपको मैंने बताया था कि 3 एक्ट आए थे, एक तो फाइनेंस एक्ट 19 जो इंटरिम बजट था फरवरी के अंदर आया, फिर फाइनल बजट जुलाई के अंदर आया, फिर एक सितंबर के अंदर ऑर्डिनेंस पास हुआ था। तो मैंने क्या कहा था तीनों अमेंडमेंट ही हमारे मई 2020 और नवंबर 2020 के एग्जाम में आएंगी, बट हाँ इस बार जो अमेंडमेंट्स हुई हैं मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, सिंगल अमेंडमेंट भी आपको नहीं पढ़नी, आपके फादर अगर बोलते हैं कि बेटा अमेंडमेंट्स क्या आई हैं उनको बताने के लिए पढ़ लेना, बट एग्जाम में किसी काम की नहीं है। या अगर आपका टारगेट मई 2021 का है तो मैं कुछ कह नहीं रहा, उसके अंदर अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है 15 महीने का ना गैप देके चलता है, क्योंकि बच्चा कहता है नहीं मुझे बोथ ग्रुप देने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे रैंक लेना है, तो 9 महीने में मुझे लग नहीं रहा 9 महीने में हो पाएगा, तो मुझे 15 महीने का गैप देकर चलना है। तो अगर आपके एग्जाम फिर मई 2021 में होंगे, तो अगर मई 2021 में होंगे ऑब्वियसली बात है क्योंकि नवंबर 2020 तक तो 9 महीने ही बनेंगे ना, तो अगर मई 2021 में आपका टारगेट है तो जो आप टैक्स पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा 3 से 4 अमेंडमेंट क्लास आपको और देख के टैक्स कंप्लीट करना पड़ेगा। नवंबर 2020 के लिए फुली अमेंडेड है, मई 2021 वालों के लिए आपको 4 अमेंडमेंट क्लास और देख के देन आपका टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें इस बजट की अमेंडमेंट्स भी आएंगी, ठीक है जी। बट मैं मान रहा हूं कि हमारा बेस्ट नवंबर 2020 के बेस पे है, तो अमेंडमेंट करेंगे फाइनेंस एक्ट 19 की, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे देखो जी डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सा आएगा, फाइनेंस एक्ट 19, 20 एप्लीकेबल नहीं होगा, और जीएसटी के अंदर भी कौन सा आएगा वही 19 एप्लीकेबल होगा, बट 6 महीने पहले की मैंने कहा था अमेंडमेंट्स भी आपके एग्जाम में आती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर बुक्स की बात मैंने की थी कि आपको कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी, वो एक अलग मैटर है, आपको इतनी ये सारी इनकम टैक्स के 2, जीएसटी के 2 एंड क्वेश्चन बैंक जो होगा ये टोटल आपको बुक्स मिल जाएंगी। अच्छा फिर मैंने कहा था आपको यहाँ पर जो मेनली हमने क्लास स्टार्ट की थी ना वो यहाँ से की थी। अब मैंने कहा था कि जो हमें सबसे पहले जीएसटी स्टार्ट करना है ना, उस जीएसटी में हमें टोटल मिला के 4 बातें डिस्कस करनी है। एक तो मैंने कहा था यहाँ पर एक्ट आता है, एक नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एक्सप्लेनेशन, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड न्यूज़पेपर कमेंट्री। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था ना वो हमने बात की थी एक्ट की। एक बात मैं सोच के बताना चाहिए, अब अगर मैं एक्ट की बात करूंगा ना तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि एक्ट बनने का प्रोसेस क्या होगा पहले हमें वो देखना पड़ेगा। अच्छा फिर आपने मुझे आंसर दिया था कि सर पहले बिल होता है, फिर पार्लियामेंट के हाउस होते हैं, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर वो जाके एक्ट बन जाता है, सारी बातें आपने मुझे बताई थी। बट आपको मैंने कहा था कि एक्ट बनने का जो अभी तक आपने प्रोसेस पढ़ा आपने ये पढ़ा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल पेश करती है ना उस बिल की 2 कैटेगरी होती हैं, या तो मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल। अब सोच के बोला अगर मेरी क्लास टैक्स की है तो मैंने कौन सा कहा था बिल कौन सा होगा, मनी बिल। अब आपने बोला अगर वो मनी बिल होगा तो पहले कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, उसको कितने दिन मिलते हैं 14 डेज, फिर कहाँ जाएगा प्रेसिडेंट, वो क्या करेगा साइन, फिर वो क्या बनेगा एक्ट, कितने दिन के अंदर 75 डेज। ये मैंने आपको एक्ट बनने का प्रोसेस बताया था। इट मीन्स हमारी क्लास मनी बिल की है तो पहले लोकसभा के अंदर फिर राज्यसभा के अंदर 14 डेज मिलेंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेगा, एक्ट बनेगा, 75 डेज में आपका एक्ट बन जाएगा। इस तरह से हमारा एक्ट बनता है। अच्छा फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में तो जीएसटी के ना टोटल मिलाकर आपके 35 एक्ट हैं। इट मीन्स वैसे तो वन नेशन वन टैक्स है, बट गवर्नमेंट कहते हैं कि जीएसटी को लाने के लिए हमें 35 एक्ट पास करने पड़े हैं तब कहीं जाकर हमारा जीएसटी आया है। वो 35 एक्ट कैसे हैं, एक तो सीजीएसटी का एक एक्ट हो गया, एसजीएसटी के टोटल 31 एक्ट हैं। वैसे आपकी 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, बट मैंने कहा था 9 यूनियन टेरिटरी में से 3 यूटी ऐसे जिसको हम स्टेट मानते हैं, कौन कौन सी, दिल्ली, पौंडेचेरी और जेएनके। अब सोच के बोला जेएनके हो गया, दिल्ली हो गया, पौंडेचेरी हो गया, इनको जीएसटी में स्टेट मानना है, तो अगर जीएसटी में स्टेट माना है इनका अलग एक्ट बनेगा, तो 28 तो नॉर्मल स्टेट हो गई, 3 ये हो गई, 31 एक्ट तो ये हो गए। फिर यूटी जीएसटी जो होती हैं वो सेंटर के कंट्रोल में होती हैं। सर एक बात मैंने सोच के बोला, आज चंडीगढ़ है, लद्दाख अभी एक नई यूटी बनी है,
अंडमान निकोबार है, दादरा है, दमन है, ये लक्षद्वीप हो गया, ये सारी यूटी जो है ना कंट्रोल करने वाली कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जब कंट्रोल ही हमारे अंडर में होनी है तो एक एक्ट फ्रेम कर दो, यूटीजीएस एक्ट फ्रेम कर दो, और आईजीएसटी का भी एक एक्ट बनेगा, और एक मैंने कहा था एक नया एक्ट आया है जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट, इन सबको मिलाकर 35 एक्ट पास हुए हैं, तब कहीं जाकर हमारा इंडिया में जीएसटी बना है। ठीक है जी, तो एक्ट सर ध्यान रखना, एक्ट के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगता और ना ही कोई भी कलेक्ट होता है, जब तक आपका एक्ट नहीं बनेगा ना, बिना एक्ट के हम कुछ लगा नहीं सकते। तो एक्ट कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, एक बार देखो यहां पर क्या लिखा है मैंने, देखो जी ये मनी बिल है, सबसे पहले कहा जाएगा देखो लोकसभा के अंदर, फिर कहा जाएगा राज्यसभा के अंदर, फिर यहां पर प्रेसिडेंट के साइन होंगे जी, उसके बाद फिर वो क्या बन जाएगा एक्ट, इस तरह से आपका एक्ट बनता है। ठीक है जी, तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक किया था, यहां तक कोई डाउट है पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। कोई डाउट तो नहीं है, पक्का पक्का, चलो जी इधर सुना ध्यान से। अब आज की क्लास जो हमें स्टार्ट करनी है ना सर, एक सेकंड पॉइंट हमारा यहां पे आ रहा है, नोटिफिकेशन सर्कुलर एंड एक्सप्लेनेशन। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक बात मैं सोच के बताना, आप में से वैसे किस किस बच्चे ने कभी इन तीनों में से ना कोई वर्ड देखा हुआ है, किस किस बच्चे ने कोई एक वर्ड देखा है, अरे किस किस बच्चे ने तीनों ही देखे हुए, कोई ऐसा बच्चा जिसने तीनों ही वर्ड देखे हों, एक दो तीन चार बच्चे हैं। अच्छा किस किस ने नोटिफिकेशन का भी देखा हुआ है, कहीं पर भी देखा हो नोटिफिकेशन वर्ड, किस किस बच्चे ने देखा है, प्लीज हैंड रेज, ऑलमोस्ट सबने देखा है। अच्छा आपने बढ़िया कहां देखा हुआ है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चा कह रहा है फेसबुक पर देखा है, ओ माय गॉड, मुझे उम्मीद थी एक बच्चा ये आंसर देगा फेसबुक पर देखा है। इधर देखो ध्यान से नालायक, फेसबुक पर नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा मैं, मेरे को लगा शुक्र है आपने फेसबुक का कहीं टिकटॉक ना बोल दे कोई। इधर देखो ध्यान से, फेसबुक ये टिकटॉक ये इंस्टाग्राम ये स्नैपचैट, सर मैं उसकी नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। इधर सुना ध्यान से एक बात में बता, नोटिफिकेशन आपको शायद पता हो सर, आपका आईसीएआई जो है ना वो भी नोटिफिकेशन निकालता है। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है, बच्चा ये बात कहता है सर एक पॉइंट हमें समझ में नहीं आता, भाई ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट क्यों निकालती है। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, एक बात में सोच के बताना सर, आप सब जानते हो हर साल बजट आता है, और आपको मैंने कल भी कहा था बजट कब आता है, फर्स्ट फेब को हर साल बजट आता है। अब सर एक बात में सोच के बोलना, इस साल जो है बजट आ गया, लेट से इस साल अभी हमारा जो बजट आया फर्स्ट फेब को हमारा बजट आया था, अभी ये जो भी पीछे फर्स्ट फेब गया उसमें बजट आया था, उस बजट में क्या हुआ भाई, अपना श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने काफी सारी अमेंडमेंट्स की और वो अमेंडमेंट्स आ गई। अब जब वो अमेंडमेंट्स यहां पर आई तो हुआ क्या, फाइनेंस बिल था पार्लियामेंट में गया, प्रेसिडेंट के साइन हुए, एक्ट बन गया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। और जब वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ ना, तो 3 महीने के बाद पता लगा कि भैया लो लिखने में गलती हो गई, और ऐसी वो गलती हो चुकी है जिससे लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, और हमने जो ये बेनिफिट दिए ना हमें तुरंत अभी विड्रॉ करना पड़ेगा या उसमें हमें कुछ नया ऐड करना पड़ेगा। अब सर एक बात मैंने सोच के बोलना, अब बजट तो आ चुका है और अगर मुझे कोई अमेंडमेंट्स इन द मिडल ऑफ ईयर में करनी है तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि अगर अगले साल करूंगा इतने में तो लोग चोरी कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई अमेंडमेंट तुम्हें इन द मिडल ऑफ ईयर करनी होगी ना, उसके लिए तुम निकालोगे नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इन द मिडल ऑफ ईयर में कोई भी चेंज लेके आना चाहता है, कुछ नया एडिशन करना चाहता है, कुछ विड्रॉ करना चाहता है, वो किसके थ्रू लेके आएगा, नोटिफिकेशन के थ्रू लेके आएगा। तो सर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी नोटिफिकेशन निकालती है, और जब भी नोटिफिकेशन आएंगी ना, समझ लेना कि गवर्नमेंट एक चेंज इंसर्ट किया है, और वो चेंज पूरे लाइफ टाइम नहीं चलेगा, मे बी अगले बजट में वो क्या करेंगे, उस नोटिफिकेशन को एक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बट अगर अभी चेंज लेके आना, अब बजट तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ऐसा होता फिर तो हर 2 महीने के अंदर बजट आ जाता। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई बजट तो अगले साल आएगा, बट अगर तुम्हें कोई चेंज लेके आना है पॉसिबल है, तुम किससे लेकर आ जाओ, नोटिफिकेशन के थ्रू लेकर आ जाओ। ठीक है जी। अच्छा फिर यहां पर एक वर्ड आ रहा है सर्कुलर और एक्सप्लेनेशन, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। सर्कुलर एक्सप्लेनेशन के अंदर फर्क क्या होता है, एक बात मैं बताना सर, इनका मीनिंग क्या होता है। अब जब भी आप सब जानते हो, मैंने कल आपको बताया था कि सर आज इंडिया में लॉ बनाने वाली फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और लॉ बनाने वाले सिर्फ 30 या 50 लोग होंगे, ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों लोग बैठे हैं, 50 लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में होंगे जो आपस में बैठते होंगे, डिस्कशन करते होंगे, और लॉ बनता होगा। और लॉ को तोड़ने वाले कितने लोग होंगे, 130 करोड़ लोग। इंडिया का रहने वाला हर आदमी चाहता है मैं टैक्स पे ना करूं, हर आदमी के दिल में चलता तो यही है, हमारा तो बस नहीं चलता हम जीएसटी पे ना करें, वो तो कई बार एमआरपी के अंदर इंक्लूड होता है, हमें देना पड़ जाता है। सर सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स एमआरपी में इंक्लूड नहीं होता तो हम उसकी चोरी कर लेते हैं ना,
और जीएसटी जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने टोफीज खानी स्टार्ट की है, हम तब से टैक्स पे कर रहे हैं। आपने कभी देखो लिखा था ना एमआरपी इंक्लूसिव ओल्ड टैक्सेस, तो हमारा बस नहीं चलता ना वहां पे। और जिस दिन हमारा बस चलना स्टार्ट हो गया, हम जीएसटी भी पे नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं भाई इंडिया में लोग चोरी करने वाले बहुत हैं, जब भी लॉ बनता है वो कमियां ढूंढते हैं। अब सुना ध्यान से क्या हुआ, लॉ मेकर ने ना एक लाइन लिखी और लॉ मेकर ने ये सोच के लिखी कि मेरा इस लाइन का मतलब ये है, बट लोगों ने क्या किया उसकी इंटरप्रिटेशन ले ली लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल का मतलब क्या होता है कि जो लिखा है वैसे ही पढ़ूंगा मैं और दिमाग नहीं चलाऊंगा, और अगर मैं उस लाइन को सेम वैसे पढ़ू ना फिर वही दिक्कत आ रही है, लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं सर, इनकम टैक्स में और इवन जीएसटी में ना ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां पर लोग टैक्स की चोरी करने की हर तरफ कोशिश करते हैं। इनकम टैक्स में एक लाइन है, एक सेक्शन आएगा हमारा, सेक्शन नंबर 92 एक सेक्शन है, उसमें ना क्या हुआ गवर्नमेंट ने एक लाइन लिखी थी, एनी इनकम अराइज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब ये एक लाइन लिखी हुई थी, सिर्फ ये लाइन लिखी थी, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ये लाइन लिख के गवर्नमेंट ने आगे काफी सारी लाइनें लिखी, बट सबसे फर्स्ट लाइन ये थी। अब जब लोगों ने ये लाइन पढ़ी तो पढ़ने से क्या लग रहा है कि अगर किसी पर्सन ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से इनकम कमाई होगी तब ये लो लगेगा। इट मीन्स अगर मैंने कोई खर्चा किया ये लो नहीं लगेगा। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, इनकम का मतलब क्या होता है भाई? इनकम का मतलब इनकम है ना। अगर मैंने कोई खर्चा किया और वो खर्चा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का है तो पढ़ने से क्या लग रहा है, लो नहीं लगेगा। और सोच के बोला, जब लो बनाने वाले ने लो बनाया होगा तो उसने क्या सोचा होगा कि इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम ऑल्सो। भाई इनकम अगर जहां पे होगी तो ऑब्वियस बात है खर्चा भी वहां पर होगा ना, तो मेरी इंटेंशन क्या है, इनकम में खर्चा आएगा। लोगों ने बोला भाई तुम्हारी इंटेंशन ये ना, हमारे में तो है नहीं। लोगों ने क्या किया, जब एक्सपेंडिचर करने स्टार्ट किए वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं किया, टैक्स की चोरी करनी स्टार्ट कर दी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया इसको क्लियर करने के लिए ना, एक्सप्लेनेशन निकाली, और उस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट इनकम इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑल्सो। तो सर ऑलवेज ध्यान रखना कि जब भी आप इनकम टैक्स में जीएसटी में कहीं पर भी सर्कुलर वर्ड पढ़ोगे या एक्सप्लेनेशन वर्ड पढ़ोगे, समझ लेना वो अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट ए क्लैरिफिकेशन, कि जो ऊपर वर्ड लिखा है उस वर्ड के दो मीनिंग थे, उस मीनिंग को क्लैरिफाई किया गया कि भैया इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। और ये एक लाइन आपने तो बहुत बार सुनी होगी शायद हिंदी की, एक लाइन है रोको मत जाने दो, आपने अगर कभी ये लाइन सुनी है, एक लाइन है रोको मत जाने दो। अब सर एक बात सोच के बोलना, एक लाइन लिखी है रोको मत जाने दो, इसमें कोमा लगाना भूल गया मैं, अब इस लाइन के डबल मीनिंग आ रहे हैं। कुछ लोग पढ़ रहे हैं रोको मत इसको जाने दो, और कुछ लोग कह रहे हैं रोको मत जाने दो। अब सर एक बात में सोच के बोलना, आज लोग के अंदर यही तो प्रॉब्लम है, अब जहां थोड़ा सा भी कोमा लगना रह गया मीनिंग चेंज हो गया। अब इस मीनिंग को क्लियर कौन करेगा, सर्कुलर और एक्सप्लेनेशन। अब सोच के बोला, अगर मैं कह रहा हूं कि भैया रोको मत जाने दो, इस बच्चे ने पढ़ा इसका मतलब यह है रोको मत इसको ऐसे जाने दो, ये बच्चा कह रहा है नहीं नहीं इसका मतलब तो यह लग रहा है रोको मत जाने दो, तो भैया इन दोनों में क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अब सही मीनिंग कौन सा है, गवर्नमेंट क्लैरिफाई करेगी, इसका मतलब यह है रोको मत जाने दो, हम कोमा लगाना भूल गए थे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ में काफी सारी गलतियां हैं, लो के कई इंटरप्रिटेशन निकलती हैं, उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर क्लैरिफिकेशन लाती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना नोटिफिकेशन सर्कुलर एंड एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि अगर इन द मिडल ऑफ ईयर में कोई भी चेंज लेके आना है, किसी बात को क्लैरिफाई करना है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या निकालती है, ये सब कुछ निकालती है। ये बात क्लियर है। फिर एक अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है सर, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं सर, आज इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कितने, अच्छा एक है, कहां पे है ये, प्रगति मैदान के पास, अब तो उसका नाम ही सुप्रीम कोर्ट हो गया, पहले प्रगति मैदान था, अब सुप्रीम कोर्ट रख दिया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उन्होंने नाम रखा भाई सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे इंडिया का वो यहाँ पे है, तो उन्होंने नाम ही क्या कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट कर दिया। अच्छा अब सुना ध्यान से, हाई कोर्ट इंडिया में कितने हैं सर? हाई कोर्ट कभी भी स्टेट वाइज नहीं होते, हाई कोर्ट हमेशा एरिया वाइज होते हैं, उस एरिया में जितनी भी स्टेट आएंगे ना उन एरिया का एक हाई कोर्ट होगा, फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा का एक ही तो हाई कोर्ट है। आज इंडिया में स्टेट 28 है, हाई कोर्ट हमारे 24 है। अब मैं ऐसा कहना क्यों चाह रहा हूं सर, जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा जीएसटी पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर बोलूंगा ये जजमेंट हाई कोर्ट की है, ये केस ना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया,
ये केस सुप्रीम कोर्ट का है, फर्क क्या पड़ेगा कि जब मैंने बोला वो केस सुप्रीम कोर्ट का है, 200% चांस है एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बन जाता है लॉ ऑफ लैंड, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर मैंने बोला जजमेंट हाई कोर्ट की है, तो हाई कोर्ट मीन्स कि जहां का वो हाई कोर्ट होगा, जजमेंट सिर्फ उसी एरिया में एप्लीकेबल होगी, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आज बहुत सारे टैक्स के मैटर होते हैं। अच्छा, ये टैक्स के मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते कैसे हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताना, इनके फादर ने कोई टैक्स पे किया, आपको मैंने क्या बोला सीए फाइनल, इसके फादर ने टैक्स पे किया, रिटर्न फाइल कर दी, इसके फादर के ऊपर डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया कि आपने टैक्स कम दिखाया है, इन्होंने बोला मैंने टैक्स सही दिखाया, डिपार्टमेंट इसके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, केस चला गया आगे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर जो केस डिसाइड होगा उससे क्या बन जाती है, जजमेंट्स बन जाती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये जजमेंट्स कैसे बनती हैं, हम अपील कैसे करते हैं, हाई कोर्ट के पास कैसे जाते हैं, ये डिपार्टमेंट नोटिस कैसे भेजता है, ये सारी बातें आपके सीए फाइनल में सीखने को मिलेंगी। तो भी सिर्फ ये समझना कि कुछ जजमेंट ऐसी हैं जो सीए इंटर लेवल पर भी एग्जाम में आएंगी, बट अगर वो सुप्रीम कोर्ट की है तो ऑल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगी, अगर वो हाई कोर्ट की होगी उस एरिया में एप्लीकेबल होगी जहां का वो हाई कोर्ट होगा। ठीक है जी, तो हमें धीरे धीरे पढ़नी पड़ेंगी। तो मेन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जीएसटी में एक तो हमें एक्ट सारे पढ़ने हैं, सिर्फ एसजीएसटी को छोड़कर, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है तो हमारे सिलेबस के अंदर भी कवर नहीं है। हमें जीएसटी में एक्ट सारे पढ़ने हैं, जहां जहां नोटिफिकेशन सर्कुलर एक्सप्लेनेशन होंगी वो भी हमें पढ़नी है, जहां जहां अभी तक थोड़ी बहुत जजमेंट आई है जीएसटी के अंदर वो भी हमें पढ़ के चलनी है। अच्छा, एक वर्ड यहां पे लिखा है न्यूज़पेपर कमेंट्री, ये आपके एग्जाम का नहीं है, फिर भी यहां पर क्यों लिख दिया मे बी आपको पता हो, एक ना न्यूज़पेपर आता है ईटी, नाम सुना आपने, दिल्ली टाइम्स नहीं कह रहा, इकोनॉमिक्स टाइम्स, एक आता है डीटी, नाम सुना आपने, दिल्ली टाइम्स, जिसमें वो सारी खबरें आती है कि किसका ब्रेकअप हो गया, किसका पैचअप हो गया, आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का साथ आता है, दिल्ली टाइम्स आता है, उसमें यही खबरें आती रहती है। एक आता है इकोनॉमिक्स टाइम्स, जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारे टैक्सेशन के मैटर आते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार आपका जो इंस्टीट्यूट पेपर फ्रेम करता है, बहुत बार ऐसा हुआ कि उसने केस स्टडी ना वहां से उठा के डाल दी न्यूज़पेपर से, लेटेस्ट केस स्टडी है, मार्केट में इशू चल रहा है, वो मॉड्यूल में डालना भूल गया। आप सोच के बोला, जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसको तो पता होगा एक केस स्टडी यहां पर मैंने पढ़ी थी, और इसने पढ़ा ही नहीं है वो क्या बोलेगा, पेपर बाहर से आ गया या क्वेश्चन बाहर से आ गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है बट केस स्टडी उसने कहां से पिकअप कर ली, न्यूज़पेपर से। तो आज इकोनॉमिक्स टाइम्स में कई बार न्यूज केस स्टडीज आती हैं, तो अगर कोई नई केस स्टडी होगी जो इंपॉर्टेंट होगी वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर कहीं भी सिलेबस में नहीं है। आप पढ़ो ना पढ़ो, पढ़ोगे तो अच्छा होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको नॉलेज अपग्रेड होगी, बट अगर आप बाई चांस नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो न्यूज़पेपर में कमेंट्री आएंगी टैक्स के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो मेनली हमारे सिलेबस में सीए इंटर में तीन चीजें कवर है, एक्ट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सर्कुलर एक्सप्लेनेशन और जजमेंट्स होंगी, ये हमें यहाँ पर पढ़नी है। क्लियर है जी? तो ऐसा करो, पहले तो आज कुछ लिखना स्टार्ट करो, कल आपने कुछ लिखा नहीं था, लाओ कॉपी, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि कॉपी लेके आनी है आपको, आओ जी। लो जी, थोड़े थोड़े बेसिक पॉइंट पहले लिखवाता हूं, पेपर नंबर है 4, ठीक है जी। अब यहां लिखो सबसे पहले बेसिक पॉइंट 1, बेसिक पॉइंट 1 सबसे पहले लिखो जी, सिलेबस एंड इट्स कवरेज, सिलेबस और उसकी कवरेज, टैक्सेशन, दो केस, एक तो डायरेक्ट टैक्स,
और सेकंड यहां पर आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आपके दो टॉपिक आते हैं वैसे, एक तो इनकम टैक्स और एक सेकंड आता है इंटरनेशनल टैक्स। ठीक है, अब ये लिखने के बाद ना ऐसे काट देना, सी एफ फाइनल लिख देना चाहे नीचे। ठीक है, विल डिस्कस इन सी एफ फाइनल, इसको आप सी एफ फाइनल में डिस्कस करोगे। इनकम टैक्स जो है ये हमारे एग्जाम में 60 मार्क्स का है। ठीक है नहीं? तो डायरेक्ट टैक्स भी आपके एग्जाम में 60 नंबर का है, और उस 60 नंबर में जो है वो सिर्फ इनकम टैक्स ही है। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में दो टॉपिक आते हैं, एक तो जीएसटी और एक कस्टम। कस्टम लिखने के बाद कट कर देना और लिख देना विल डिस्कस इन सीए फाइनल, वहां पर सीए फाइनल में हमारा कस्टम आएगा। जीएसटी जो हमारे एग्जाम में है वो 40 नंबर का है। ठीक है नहीं? तो कस्टम का हमारे एग्जाम में कोई लेने देना नहीं है, इनमें से इंपोर्ट पे ड्यूटी कैसे लगेगी, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी कैसे लगेगी, वो सारी बातें सीए फाइनल के अंदर देखेंगे हम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब इनकम टैक्स के नीचे लिखो जी। अब जो इनकम टैक्स आपके एग्जाम में 60 नंबर का है ना, उसको तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं, तीन। ठीक है जी, सबसे पहला आप लिखो जी इनकम टैक्स का पार्ट नंबर वन जो हमारे एग्जाम में आएगा, इसको आप बोल सकते हो बेसिक पार्ट। बिल्कुल बेसिक पार्ट है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होगा टैक्स रेट्स, सरचार्ज, सेस एटसेट्रा, ये होगा। सेकंड जो होगा फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये दोनों हमारे बेसिक पार्ट में आएंगे जी, ये दोनों हमारे आएंगे बेसिक पार्ट के अंदर। ठीक है जी, सेकंड पार्ट जो होगा ना, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू, इसको हम नाम देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये पार्ट नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स का, बट पार्ट नंबर वन के बिना पार्ट नंबर टू समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आपको टैक्स रेट ही नहीं पता होंगे तो आप टैक्स निकालोगे भी कैसे। तो वो पता लगे कि पार्ट नंबर वन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट पार्ट नंबर वन पे ही पार्ट नंबर टू डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या क्या होता है जी, इसमें आपके ना पांच हेड आते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फिर एक चैप्टर आएगा क्लबिंग ऑफ इनकम, फिर एक चैप्टर है सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस, फिर है डिडक्शन। ठीक है, और एक लास्ट में फिर यहां पे आएगा टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम। अब जो आपने टोटल इनकम निकाली उस पर टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी। ठीक है, ये पार्ट नंबर टू हमारा है, तो इसमें ना हमें सारे चैप्टर कवर करने हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, वैसे हो गया यहां तक। अब ये सैलरी का चैप्टर जो है ये सेक्शन नंबर 15 से ना 17 तक चलेगा, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 15 से लेकर 17 तक, ये तीन सेक्शन सैलरी के हैं। मतलब अगर आपको सैलरी के बारे में लाइफ में कभी भी जानना हो ना, तो 15 से लेकर 17 तक सेक्शन ओपन कर लेना, उसमें बारे उसके अंदर सैलरी के बारे में लिखा हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर 27 तक, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 ये हाउस प्रॉपर्टी का है। पीजीपी सेक्शन 28 से 44 DB ये पीजीपी का है। कैपिटल गेन सेक्शन 45 से
55 कैपिटल ए, अदर सोर्स सेक्शन 56 से 59, ये अदर सोर्स है। क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 से 65, ये हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम है। सेट ऑफ जो है सेक्शन नंबर 70 से 79, ये हमारा सेट ऑफ है। डिडक्शन जो है इसमें सेक्शन 80 ही सिर्फ आता है, 80 सी से लेकर 80 यू तक, ये हमारा डिडक्शन है। लो जी, तो ये हमारे सारे सेक्शन जो है ना, इस तरह से हमारी चेन बनती हुई जाती है। ये हमारी सारी की सारी चेन है कि इस तरह से हमें सेक्शन फॉलो करने हैं सारे, ठीक है नहीं? तो अगर आप ये सेक्शन सीक्वेंस के अंदर फॉलो करोगे तो आपकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी, उसके बेस पे फिर आप क्या निकाल दोगे, अपना टैक्स निकाल दोगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब कई बार ना बच्चा लिखने के बाद ना मुझसे क्वेश्चन, पता क्या बोलता है? अब बच्चा ये बात कहता है, सर ये आपने जो हमें सेक्शन लिखवाए हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा जी क्या? बच्चा कह रहा आपने बोला सैलरी 15 से लेकर 17 तक है, हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेकर 27 तक है, फिर 28 आ गया, फिर वो 44 पे खत्म हुआ 45 आ गया, फिर 55 पे खत्म हुआ 56 आ गया, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 15 से लेकर 17 तक है तो 18 से लेकर 21 तक सेक्शन कहाँ है। अगर आप कायदे से देखो सारे सेक्शन सीक्वेंस में आ रहे हैं, बट 18 से लेकर 21 तक हमारे कवर ही नहीं है। सर मे भी आपको बताओ, आज से 10 से 12 साल पहले इनकम टैक्स में 6 हेड होते थे, उस छठे हेड का नाम था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, और वो 18 से 21 तक था। अब वो एक्ट खत्म करके ना, अब वो एक्ट ही मतलब वो तीनों सेक्शन ही खत्म करके गवर्नमेंट ने क्या किया, अदर सोर्स में डाल दिया। तो आज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी बातें उसकी आत्मा जो है अब वो अदर सोर्स के अंदर है। इट मीन 18 से लेकर 21 तक अब एक्ट में ही सेक्शन खत्म हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमारे सिलेबस में नहीं है, एक्ट में ही खत्म हो चुके हैं, और वो तीनों सेक्शन आज भी है वो कहां पर है, अदर सोर्स में है, अब अलग से एक्ट नहीं है, ठीक है नहीं? तो आज हमारे 5 हेड हैं, 18 से 21 एक्ट में ही डिलीट हो चुके हैं, उसकी आत्मा कहां पर आ चुकी है, अदर सोर्स में। ट्रीटमेंट कहां पर होगा, अदर सोर्स में। फिर बच्चा ये बात कहता है, चलो सर आपकी बात मान ली, भाई 15 से लेकर 17 तक है, आपने बोला 18 से 21 अब वो खत्म हो चुके हैं, तो ठीक है जी, फिर 27 28 44 45 यहां पर 55 56, फिर आपने बोला 59 60, यहां पर बोला 65, और यहां पर फिर हमारा 66 से लेकर 69 कहां गए। मेरे पास समझ में आ रही है आपको? इट मीन सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं। चलो आपने बोला भाई ये तो 6 हेड थे वो खत्म हो गए, आत्मा इसके अदर सोर्स में आ गई, बट ये वाले कहां गए। मैं भी आपको बताऊं 66 से लेकर 69 तक 4 सेक्शन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसमें क्या होती है, इसमें सारी ब्लैक मनी होती है। इस सेक्शन में ये लिखा हुआ कि अगर इंडिया में किसी पर्सन की ब्लैक मनी पकड़ी गई, उस ब्लैक मनी पर कितना टैक्स लगेगा, वो सारी बातें इस सेक्शन में है। और आपकी जानकारी के लिए बना दूं सर, ये चारों सेक्शन जो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है ना, उसके बाद इतने खतरनाक ये सेक्शन हो चुके हैं, आपको बिलीव भी नहीं होगा। सर मैं आपको बताऊं मोदी गवर्नमेंट इंडिया में कब आई थी, 2014 में। 2014 से पहले ना, 2014 से पहले लोग अंधी तरह से मतलब अंधों की तरह से ना नील रिटर्न फाइल करते थे। इतने लोग नील रिटर्न फाइल करते थे, इतने ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक बच्चा 11वीं क्लास के अंदर, 11वीं की बात कर रहा हूं, 12वीं के अंदर इनकम 0 है, रिटर्न फाइल करता नील की। अच्छा आप में से कोई बताएगा, वैसे आप में से अगर कोई बच्चा रिटर्न फाइल करता हो कभी, एक बच्चा सोच रहा था अभी, आप फाइल करते हो नील की, इनकम तो कहीं से नहीं आती, या आती है? नहीं आती, फिर भी फाइल करते हो क्यों? मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा। इधर देखना ध्यान से, अब सुना ध्यान से सर, आपको मैं बता दूं, 2014 से पहले, 2014 से पहले लोग इतने ज्यादा नील की रिटर्न फाइल करते थे, इतने ज्यादा। क्यों नील की रिटर्न फाइल करूंगा, जैसे बच्चे ने बोला टैक्स पे नहीं करूंगा तो क्या दिक्कत आएगी। अब एक बात मैं सोच के बोलना सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, वैसे 2 मिनट डिस्कशन करता हूं कि क्लास में कोई बच्चा बता सकता है लोग नील की रिटर्न फाइल क्यों करते हैं। एग्जाम्पल उस बच्चे का है, इनकम आ रही है 0, सिंगल इनकम नहीं कमा रहा बच्चा, बच्चा फिर भी 2.5 लाख दिखा के टैक्स नील पे कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है। सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आज इंडिया में आज इतने लाखों लोग ऐसे हैं जो नील की रिटर्न फाइल करते हैं, जिनकी इनकम 2.5 लाख दिखाते हैं और रिटर्न नील की फाइल कर देते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं लोग नील की रिटर्न फाइल क्यों करते हैं। हाँ जी इनकम, अच्छा, चलो और कोई और बताओ, टैक्स बचाने के लिए।
टैक्स कैसे बचेगा, उसकी तो इनकम ही नहीं आ रही, टैक्स कैसे बचेगा? सर मैं तो इस बच्चे की बात कर रहा हूँ, 11वीं 12वीं का बच्चा, या चलो अब तो बच्चा अब सीए इंटर के अंदर आ गया, मैं कह रहा हूँ 11वीं 12वीं का बच्चा रिटर्न फाइल कर रहा है, वो इनकम क्या छुपाएगा बेचारा, उसको तो पता ही नहीं दुनियादारी क्या है। सर एक बात में बताओ, मेरे पापा, मैं 11वीं 12वीं के अंदर हूँ, मेरे पापा मेरी रिटर्न फाइल करवाते थे बिना बात के नील की। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे फादर ने मेरी नील की रिटर्न फाइल करवा दी, मुझे समझ नहीं आया क्यों। सर मैं आपकी बस सारी बात मान रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं रीजन, ऐसा फिर हर आदमी रिटर्न फाइल करने लग जाए भाई। अगर 2.5 लाख तक टैक्स नील है, रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है, फिर तो आप रिटर्न फाइल करो। मेरा सिर्फ मोटिव क्या है, लोग जो नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रीजन क्यों, मतलब क्वेश्चन क्यों, क्यों फाइल करते हैं वो, इधर सुना ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। अब सुना ध्यान से, आज नील की रिटर्न फाइल करने का ना रीजन सिर्फ एक है, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट करना। सर एक बात मैं सोच के बोलना, अब ये बच्चा जो रिटर्न फाइल करता है, जैसे इस बच्चे ने बोला कि सर मैं रिटर्न फाइल करता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। एक बच्चा लेट्स टेक एन एग्जांपल, 11वीं के अंदर है या 12वीं के अंदर है, या मान लो सीए फाउंडेशन के अंदर है। अब ध्यान सुनना, इस बच्चे की सिंगल इनकम नहीं आ रही, कहीं से इनकम नहीं आ रही, इसके फादर साहब इसकी रिटर्न फाइल करवा देते हैं, और इसके फादर मान लो 11वीं से रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, तो हर साल 2.5 लाख रुपए दिखाते होंगे, टैक्स आता होगा नील, क्योंकि भैया नील टैक्स आएगा, रिटर्न फाइल कर दो, कौन सा गवर्नमेंट पकड़ रही है इसको। अच्छा एक साल फाइल की, दो साल फाइल की, तीन साल फाइल की, चार साल फाइल की, पांच साल फाइल की, छह साल फाइल कर दी 2.5 लाख रुपए की, 6 साल के बाद इट मींस इसने गवर्नमेंट को 15 लाख रुपए शो कर दिया, 15 लाख शो कर दिया, क्योंकि अगर 2.5 लाख रुपए हर साल शो कर रहा है, 15 लाख शो कर दिया ना, छठे साल में अगर इसको 15 लाख रुपए की ब्लैक मनी भी इसके पास आ जाएगी, और अगर गवर्नमेंट ने बोला 15 लाख की ब्लैक मनी आई कहां से, क्या बोलेगा, रिटर्न चेक करो। और सोच के बोला जो 15 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिखा दिए, अगर 15 लाख रुपए कैश ले लिया बच गया ना ये, तो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग रिटर्न फाइल करते ही इसलिए हैं कि अगर बाद में कहीं से ब्लैक मनी आए तो मैं पहले ही गवर्नमेंट को शो कर चुका हूं। और दूसरा रीजन क्या होता है आप सब जानते हो, और अगर बैंक से लोन लेना है रिटर्न के बिना मिलता ही नहीं है, जब भी आप लोन लेने जाओ बैंक वाले क्या बोलते हैं, पिछले 3 साल की रिटर्न दिखाओ, और अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की आपको लोन कैसे मिलेगा। अब बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात मुझे बताओ, जैसे बच्चा ये 2.5 लाख रुपए की रिटर्न फाइल करता है, दिखाता क्या होगा अपनी रिटर्न में, मतलब इनकम तो इसकी 0/0 है, ये दिखाता क्या होगा। लोग क्या दिखाते हैं कि भैया मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, और आप सब समझदार हैं, ट्यूशन कोई भी पढ़ा सकता है आज। सर अगर आप सीए इंटर के अंदर हो तो 11वीं 12वीं के बच्चे को पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते, यस। 6ठी 7वीं के बच्चे को, 8वीं 9वीं के बच्चे को फीस आप चार्ज करोगे। लोग क्या करते हैं, 2.5 लाख रुपए की इनकम शो करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, ट्यूशन फीस 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की इनकम, मैं सूट की स्टिचिंग करता हूं, मैं डिजाइनिंग करता हूं, इट मींस अलग अलग तरह के काम जो आज तक उन्होंने कभी देखे ही नहीं है, उसको सुई धागे से बटन लगाना नहीं आता, स्टिचिंग इनकम दिखा रखी है 1 लाख रुपए की। अब क्यों दिखा दी, बस क्योंकि इनकम 2.5 लाख रुपए की, कौन सा गवर्नमेंट पकड़ रही है। अब 2.5 लाख रुपए की इतनी अंधी रिटर्न फाइल की कांग्रेस के टाइम में, जब मोदी गवर्नमेंट आई ना उनको बड़ी दिक्कत आई, उनको लगा यार, आपको पता है आज इंडिया में कितने पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोग रहते हैं ना, 130 करोड़ लोग में से सिर्फ कुछ लाख लोग, अप्रोक्सीमेट 5 या 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इनकम शो करते हैं 10 लाख से ऊपर, बस 130 करोड़ में से क्या इतने लाख लोग ऐसे होंगे, कितने लाखों लोग ऐसे होंगे लोग टैक्स पे ही नहीं करते। मतलब जब मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने बोला भाई इतनी बल्क रिटर्न आ रही है और सारी नील की आ रही है, और इसको देखो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जिसको देखो स्टिचिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने सेक्शन इंसर्ट कर दिया, सेक्शन 66 से लेकर 69, और क्या बोल दिया कि अगर किसी पर्सन की इनकम अनएक्सप्लेन है, अगर किसी पर्सन की इनकम अनएक्सप्लेन है और वो पकड़ी गई, उस अनएक्सप्लेन इनकम पर हम 60% टैक्स चार्ज कर देंगे विदाउट एन एग्जम्पशन लिमिट। ध्यान रखना आज अगर आप पकड़े गए, बच्चा कह रहा है भाई साहब आपको मैं रियलिटी बता रहा हूं सर, वो बात अलग है कि नॉर्मली पकड़े जाते नहीं है, बट जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद लोगों ने नील की रिटर्न फाइल करना इतना कम कर दिया, क्योंकि अब पता क्या होता है, अब क्या होता है, इस बच्चे नील की फाइल की, फाइल करे नील की फाइल करे फाइल करे, जब तक बच गया जब तक बच गया, जब गवर्नमेंट का दिमाग सनक गया ना कि भैया नील की रिटर्न फाइल कर रहा है, इसको एक बार चेक करो, उसके घर में नोटिस भेजो, नोटिस भेजा, हाँ भाई रिप्लाई कर, ये जो डॉक्टर 2.5 लाख रुपए की इनकम शो करके टैक्स नील पे किया है, ये 2.5 लाख रुपए आए कहां से। इस बच्चे ने रिप्लाई कर दिया, मैं सूट की स्टिचिंग करता हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, ये सारी बातें कर दी। अब गवर्नमेंट कहती है अच्छा ट्यूशन पढ़ाता है, दिखा कौन से बच्चे पढ़ाए तूने, तू सूट की स्टिचिंग करता है, किस किस के सूट से लिया, चल मेरे को लेके चल। अब अगर ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, इसकी 2.5 लाख रुपए की इनकम जो एग्जम्पशन थी 60% एक्सपे करेगा ये। और सोच के बोलना जो लोग फर्जी रिटर्न फाइल करते थे ना, सारा स्यापा खत्म हो गया, क्योंकि आज मैं नहीं कह रहा लोग फाइल नहीं करते, फाइल करते हैं कंसल्ट करके।
अब विदाउट कंसल्टेशन, पहले क्या था, मम्मी का मन किया, पापा का मन किया, बेटे का मन किया, रिटर्न फाइल कर दो, कांग्रेस की गवर्नमेंट है कुछ नहीं कह रही। और जब से मोदी गवर्नमेंट आई भैया, अब चेक करके कंसल्ट करके, सीए से कंसल्ट करके, कि अगर मुझे 2.5 लाख की भी रिटर्न फाइल करनी है तो मैं ऐसा क्या शो करूं कि बाद में प्रूफ कर पाऊं, क्योंकि मार्केट में सब कुछ बिकता है सर, और नकली बिल भी मिलते हैं, बट आपको कंसल्ट करना पड़ेगा ना। और अगर बिना कंसल्ट के फाइल कर रहे हो, कल अगर फंस गए और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सेक्शन 66 से लेकर 69 तक आपके ऊपर लग जाएंगे, चार्जेबल टू टैक्स @60%। अब सोच के बोलना, बेचारा बच्चा कहां 2.5 लाख रुपए सोच रहा था एग्जम्पशन लिमिट है, और कहां 2.5 लाख का अगर 60% पे करेगा तो 1.5 लाख रुपए तो बच्चा टैक्स ही पे कर देगा जिसकी इनकम जीरो है। तो ये काम हो गया ना काम। तो ये गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। तो जो बीच में तीन सेक्शन यहां पर मैंने गायब किए हुए हैं, वो तीन सेक्शन जो हैं ये इसी के हैं, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन इनकम। इट मीन अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन है, इनकम अनएक्सप्लेन है, तो चार्जेबल टैक्स @60%। बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं यहां से हटा रहा हूं, तो इसलिए मैंने यहां से बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर 70 to 79 आपके आ गए हैं, फिर 80 वाला ये आ गया, तो पूरे सेक्शन सीक्वेंस में चल रहे हैं। 18 से 21 गायब हो गए हैं, वो तो ऐसे ही गायब हो गए हैं। 66 से 69 गायब हो गए हैं, वो हमारे सिलेबस से गायब हो गए हैं, बाकी सारे सेक्शन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो था पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर थ्री में है मिसलिनियस चैप्टर। पार्ट नंबर थ्री में आएंगे जी मिसलिनियस चैप्टर, कुछ छोटे मोटे चैप्टर हैं, एडवांस टैक्स, टीडीएस, रिटर्न ऑफ इनकम, ये आपके तीन चैप्टर हैं, ठीक है जी। तो ये आपका ना इनकम टैक्स का पार्ट है। जीएसटी के अंदर हटा दूं, जीएसटी के अंदर 40 नंबर में लिखो जी, ये तीन सेक्शन लिखो, ये लो जी, ये तीन सेक्शन बनाओ फटाफट से जीएसटी के अंदर, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। मार्क्स मत लिखना, चाहे मार्क्स मत लिखना, सिर्फ ये लिख देना कि सेक्शन नंबर 1 किसका है, 2 किसका है और 3 किसका है। मतलब इस तीन तरह से हमें जीएसटी कंप्लीट करना है। बेसिक प्रोविजन बेस चैप्टर, इसके अंदर जीएसटी कब आया, कैसे आया, किस कंट्री के अंदर पहले आया, फिर बाद में किस कंट्री में आया, ये सारी बातें बेसिक प्रोविजन के अंदर हम सीखेंगे। सेकंड, फिर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है ना, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो सारी बातें जीएसटी के अंदर आती हैं। नहीं अब तो जमाना चला गया सर वो, और वैसे भी आज तक जेएनके पर जीएसटी था ही, सिर्फ 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक नहीं था, 8 जुलाई को जेएनके पर भी जीएसटी आ गया था। तो जेएनके जहां पर भी बाहर निकालते थे सब खत्म हो गया ना, आर्टिकल 370 खत्म हो गया, तो जेएनके पर सारे लोग एप्लीकेबल है आज। उसके बाद फिर कंप्लाइंस बेस्ड चैप्टर, कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, वही रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट कैसे करनी है, वो सारी की सारी बातें ये हमारे तीन सेक्शन के अंदर हमें पढ़नी है, ठीक है नहीं। तो ये आपके ना बेसिक पॉइंट 1 है, जिसके अंदर मैंने सिलेबस का ओवरव्यू आपको लिखवा दिया। आगे लिखो रही फिर, हटा दूं, लो जी आगे लिखो बेसिक पॉइंट नंबर 2, लिखो जी बेसिक पॉइंट नंबर 2। बेसिक पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखो जी अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स। मैं यहां पे ना 3 अटेम्प्ट बना के चल रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे 15 महीने का कई बार टारगेट लेके चलते हैं, जो मैंने देखा है सीए के अंदर, बहुत ग्रुप देने के लिए
बट अगर टारगेट आपका 15 महीने का नहीं है, 9 महीने का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना अटेम्प्ट देख लेना कब है, उसके बेस पे अमेंडमेंट देख लेना। मई 2020, नवंबर 2020 और मई 2021। इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 19, नवंबर 20 के अंदर भी फाइनेंस एक्ट 19, मई 21 में फाइनेंस एक्ट 20, ये चेंज आ गया। मतलब मई वालों के लिए फाइनेंस एक्ट ही चेंज हो जाता है जी, मई वालों के लिए फाइनेंस एक्ट ही चेंज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा फाइनेंस एक्ट 20, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई एक्ट हमारा कौन सा आना है, नोटिफिकेशन। ये ऐसा करो, ये हो गया, जीएसटी के बारे में लिखो, सेम फाइनेंस एक्ट 19, यहां पर भी फाइनेंस एक्ट 19 और यहां पर आपका आएगा फाइनेंस एक्ट 20, ठीक है। अब मेन आता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन सर्कुलर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बीच बीच में इशू होते रहते हैं, क्योंकि एक्ट तो एक बार आएगा बट नोटिफिकेशन तो बीच में कई बार आएंगी, तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कहती है मई 2020 वालों के लिए रेलिवेंट अप टू 31 अक्टूबर, रेलिवेंट अप टू 31 अक्टूबर 2019, यहां तक की नोटिफिकेशन उनके एग्जाम में आती है, और ये आएगा रेलिवेंट अप टू 30 अप्रैल 20, यहां तक की आएंगी, और अगेन जिनका 21 में एग्जाम है, रेलिवेंट अप टू 31 अक्टूबर 2020। लो जी, ये आपके अमेंडमेंट्स है, इसके अलावा सिंगल अमेंडमेंट भी आपको नहीं पढ़नी, वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, बस जो अमेंडमेंट इसके अंदर आई होंगी ना वही अमेंडमेंट हमें पढ़नी है, इसके अलावा सिंगल अमेंडमेंट भी हमारे किसी काम के नहीं है जी, पहली बात तो ये, ठीक है। ये हमारा अमेंडमेंट वाला केस है, हटा दूं। अब आगे लिखो जी, बेसिक पॉइंट नंबर 3, बेसिक पॉइंट नंबर 3, मीनिंग ऑफ एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर केस लॉज, इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है नी? लिखो रही, सबसे पहले पहला पॉइंट लिखो जी, लिखो रही, यहां से स्टार्ट करो, फॉर्मेशन ऑफ एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्ट, मनी बिल, इस मेड फर्स्ट एंड कैप्ट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट लोकसभा, नेक्स्ट आएगा फिर पास बाय द बोथ हाउस। अब राज्यसभा के पास ना यहां पे दिन होते कितने हैं, 14 डेज, 14 डेज होते हैं,
और जो ये एक्ट बनता है ये बनता है 75 डेज में। जी आपका इनकम टैक्स एक्ट है दैट इज विद इन 75 डेज, ये 75 डेज में आपका एक्ट बन जाता है। ठीक है नहीं? आगे लिखो फिर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड एक्सप्लेनेशन। नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड एक्सप्लेनेशन। अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, दीज आर इशू इन द मिडल ऑफ ईयर, मतलब ये जो है ना ये साल के सर स्टार्टिंग में या साल के एंड में नहीं आते, क्योंकि साल के स्टार्टिंग और एंड में तो बजट आ जाएगा ना, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, दीज आर इशू इन द मिडल ऑफ ईयर। इट मीन अगर बीच में कोई चेंज लेके आना है तो गवर्नमेंट क्या निकालती है, नोटिफिकेशन आती है। देखो लिखा है, दीज आर इशू इन द मिडल ऑफ ईयर टू ब्रिंग एनी चेंज इन द लॉ और टू ब्रिंग क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन मैटर। इट मीन्स अगर कोई बात तुम्हें क्लैरिफाई करनी है, अगर कोई बात तुम्हें चेंज करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये नोटिफिकेशन निकालती है। फिर ठीक है जी। अच्छा एक बात ना और लिख लो, नोटिफिकेशन जो होती है ना, यहां लिखो नोटिफिकेशन बाइंडिंग ऑन असेसी एंड डिपार्टमेंट, असेसी एंड डिपार्टमेंट बोथ, मतलब नोटिफिकेशन जो होती हैं, अगर नोटिफिकेशन इशू की गई है तो वो असेसी को भी माननी पड़ेगी और डिपार्टमेंट को भी माननी पड़ेगी। डिपार्टमेंट मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट सर्कुलर जो होते हैं और एक्सप्लेनेशन जो होती हैं, सर्कुलर बाइंडिंग ऑन ओनली डिपार्टमेंट, नोट ऑन असेसी एंड कोर्ट। मतलब अगर कोई सर्कुलर है ना, वो सिर्फ डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होता है और असेसी और कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होता। इट मीन अगर कोई सर्कुलर गवर्नमेंट इशू किया है, एग्जाम में अगर एमसीक्यूज बन गया भाई सर्कुलर किस पर बाइंडिंग होता है, तो जानना सर्कुलर जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट को ही फॉलो करना पड़ता है, असेसी के लिए फॉलो करना पड़ता है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो बात मानेगा ही मानेगा। अब बच्चा बात करते सर, अगर वो नहीं मानेगा फिर क्या होगा, फिर वही आगे लड़ाई होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाएगा, फिर वही अपना सीए फाइनल वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेनली सर्कुलर जब भी इशू होते हैं, जस्ट ए क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन दोनों को माननी पड़ती है, बस ये बात ध्यान देना। बोलो कुछ डाउट है? असेसी एंड कोर्ट, ये कोर्ट आएगा, असेसी एंड कोर्ट। आगे लिखो जी, आगे जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिखो जी इनके बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और हाई कोर्ट की जजमेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है। इट मीन अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया या अगर कोई केस हाई कोर्ट में आ गया, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे सिलेबस में। लो जी, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वैलिड एंड एप्लीकेबल थ्रू आउट ऑफ कंट्री एंड बिकम लॉ। और आपको शायद पता हो सुप्रीम कोर्ट को हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। अपेक्स का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। The judgment of Supreme Court is valid and applicable throughout of country and become law. High Court में क्या लिखा हुआ है? The judgment of High Court is valid in the jurisdiction of the High Court and throughout of country if none of the judgment has come against the same. इसका मतलब क्या है? कि High Court की judgment सिर्फ उसी area में applicable होगी जहां का वो High Court है,
बट उसको पूरे इंडिया के लिए ना बेस बना सकते हैं, बट कब बना सकते हैं, अगर और कोई हाई कोर्ट की जजमेंट किसी अगेंस्ट में ना आई हो। इट मीन सारे हाई कोर्ट अगर सेम बात कह रहे हैं फिर तो बड़ी है ना, बट अगर किसी हाई कोर्ट ने कुछ अलग कहा, किसी ने कुछ अलग कहा, तो फिर उसी एरिया में एप्लीकेबल होगी जहां के वो हाई कोर्ट होंगे। ठीक है जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। एरिया हो गया जी। लो जी, तो वो जाके एक बेसिक पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए कि भैया एक्ट क्या होता है। अच्छा एक बात हमारा रह गया, रूल्स, रूल्स के बारे में आपने लिखा नहीं है अभी। रूल्स के बारे में लिख लो, न्यूज़पेपर कमेंट्री तो काट देना, ये हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख दी थी इसलिए कि आपको ये पता हो कि न्यूज़पेपर के अंदर भी टैक्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब लिखना एक रूल्स लिख लेना, ये हो गया यहां तक। ओके, चलो जी हटा चुका हूं, आगे आ गया हूं। लो जी यहां लिखना अब रूल्स। रूल्स का मतलब क्या होता है? पहला, सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ एक्ट। एक्ट का सपोर्टिंग सिस्टम होता है, मतलब एक्ट को सपोर्ट करते हैं, एक्ट के अगेंस्ट नहीं कुछ बोलते, रूल्स। ठीक है, रूल्स में क्या होते हैं? कंप्लाइंस, कंप्लाइंस कंटेन्ड इन रूल्स। जो कंप्लाइंस होते हैं ना वो सारे के सारे रूल्स में कंटेन होते हैं। भाई कौन सा फोन नंबर जाएगा, किस दिन जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारी की सारी बातें रूल्स की हैं। एक्ट का मतलब क्या है? क्या करना है और क्या नहीं करना, और जो भी काम करना है वो करना कैसे है, वो सारी बातें रूल्स में होती हैं। ठीक है जी, तो यहां पे ऐसा करना, एक छोटा सा ना यहां पे लिख लेना क्रक्स, और क्रक्स में लिखना एक्ट का मतलब होता है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। एक्ट का मतलब होता है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। रूल्स का मतलब होता है हाउ टू डू, रूल्स का मतलब होता है हाउ टू डू। ठीक है ना, मतलब जो भी काम करना है वो कैसे करना है वो रूल्स में लिखा होगा, और क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सारी बातें किसमें लिखी होंगी? एक्ट में लिखी होंगी, बात ध्यान देना। तो एक्ट का मतलब व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू जो होगा वो सारी बातें रूल्स की हैं। ठीक है जी, लोरी अब जाके ना हमारा यहां तक ये सारा बेसिक पॉइंट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक बात मैं सोच के बताऊँ जी। अब अगर आपको लास्ट क्लास ध्यान आ रहा, तो मैंने कहा था ये आपके सिलेबस में वही दो टैक्स कवर होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका इनकम टैक्स आएगा और आईटी में क्या आएगा? जीएसटी। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर इनकम पर लगने वाला टैक्स। अगर मैं बोलूं कि जीएसटी का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स और जीएसटी से पहले एक वर्ड जो आ रहा है टैक्स, इसका मतलब क्या है? मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि आज जो इंडिया में गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उस टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स क्या है, मतलब टैक्स क्या है? ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, क्या चीज है? मैंडेटरी है। अच्छा, क्या हर कंपलसरी पेमेंट जो इंडिया में ली जाती है वो एक टैक्स है? मान लो गवर्नमेंट ने बोला भाई ये पेमेंट देना कंपलसरी है, तो क्या एक टैक्स बन गया? बट टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट तो है। अब सुनो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, लो ये बात कहता है कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट तो है, बट हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स नहीं है।
वही कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स में कवर होगी जो गवर्नमेंट को पे की जाती है किसी एक्ट के अकॉर्डिंग और किसी लॉ के अकॉर्डिंग। सर एक बात में सोच के बोला, आपको शायद पता हो आज मुंबई के अंदर हफ्ता वसूली की जाती है। हफ्ता वसूली क्या है? मैंडेटरी है देनी। आज लक्ष्मीनगर में मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, शुक्र बाजार, आपके वहां पर मार्केट लगती होंगी। अब जिस दिन मार्केट होती है देखना, उस दिन दुकानें बहुत ज्यादा लगी होती हैं। अब जो भी दुकानदार दुकानें लगा रहे हैं वो क्या करते होंगे, उस एरिया के ऑफिसर को पेमेंट करते होंगे दुकान लगाने का। पे करना कंपलसरी है, नहीं तो दुकान ही नहीं लगेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो सब एक टैक्स नहीं है, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट अंडर एन एक्ट। इट मीन्स अगर आपने गवर्नमेंट को पे की है किसी एक्ट के अकॉर्डिंग तब वो टैक्स बनेगी। आपने कंपलसरी पेमेंट की है बट किसी लॉ में वो बात नहीं लिखी तो वो टैक्स के अंदर कवर नहीं होगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, आपकी जो एक्ट में डेफिनेशन है टैक्स की, एक बार चेक करना देखो क्या लिखा है। टैक्स इज ए कंपलसरी, नोटिंग मत करना अभी, टैक्स इज ए कंपलसरी एक्सट्रोशन ऑफ मनी अंडर एन एक्ट। इट मीन अगर मैं ये तीन वर्ड यहां से हटा दूंगा ना अंडर एन एक्ट वाले, तो इट मीन क्या है, आज इंडिया में जो कंपलसरी पेमेंट होंगी वो सारी टैक्स बन जाएंगी। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, हर कंपलसरी पेमेंट नहीं है, जो किसी एक्ट के अंडर तुम पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। मैं कस्टम ड्यूटी पे कर रहा हूं, कस्टम एक्ट में लिखा है। इट मीन जहां जहां एक्ट में कुछ लिखा है उसके बेस पर हम पे करते हैं, वो सारी पेमेंट टैक्स बन जाती है। सेकेंड लिखा हुआ है, इट इज आउटफ्लो फ्रॉम इनकम पे टू द गवर्नमेंट। आप समझदार हो, अगर इनकम होगी तो टैक्स पे करूंगा ना, अगर इनकम ही नहीं होगी तो मैं टैक्स क्या पे करूंगा। अच्छा एक बात मेरी तरफ बना, आज गवर्नमेंट को आप टैक्स क्यों पे करते हो? भाई गवर्नमेंट ने बोला भाई इनकम कमाओ हमें टैक्स पे करो। मैं कहना चाहता हूं गवर्नमेंट इसका करती क्या होगी सर, जितनी भी पब्लिक सर्विस है वो सारी हमें प्रोवाइड करती है। आज मेट्रो है, हाईवेज है, डिफेंस है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा पैसा किसका है, टैक्स का ही तो है। तो यार सिंपल सी बात है, आप मेन मुद्दा क्या निकल करेगी, अगर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स किया तो वैसे बात है मैं तभी तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आज जो गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विस है उसको देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। और टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट अंडर एन एक्ट और इट इज आउटफ्लो फ्रॉम इनकम पेड टू द गवर्नमेंट। ये मीनिंग आ गया टैक्स का। अब टैक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है, हमें सबसे पहले अपनी क्लास में आईडीटी स्टार्ट करना है। बट इससे पहले मुझे इतना बता दो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई बच्चा बताना चाहता हो, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है बट फिर भी आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा हो कि सर हमारे हिसाब से ना डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है और आईडीटी का मतलब ये होता है। हाँ जी ठीक है, इन डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो और कुछ? हाँ जी इधर से कैसे, मतलब अपना अलग अलग गली में गलियां निकलती हैं उसके। अच्छा चलो इधर देखो, ध्यान से इधर देखना, आप मुझे आंसर देना चाहिए। अभी देख लेते हैं क्या सही और क्या गलत है। यहां पर एक वर्ड लिखा है लेवी और यहां पर एक वर्ड लिखा है पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब बहुत सोच समझ के आंसर देना। एक टैक्स है, एक टैक्स है जो मिस्टर एक्स पर लगा और एक्स ने ही गवर्नमेंट को पे किया, लगा एक्स पर है और उसी पर्सन ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया, ये टैक्स कौन सा बनेगा? चलो एक टैक्स है जो एक्स पर लगा है बट एक्स के बिहाफ पर मिस्टर वाई ने गवर्नमेंट को पे किया है, लगा एक्स पर है बट पेमेंट करने वाला मिस्टर वाई है, ये क्या बनेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अब प्लीज ध्यान सुना सर, आपने मुझे इस डेफिनेशन के बाद आपने मुझे बोला इस एग्जांपल से कि सर अगर हम डायरेक्टली पे करेंगे तो वो डायरेक्ट बन जाएगा, अगर हमारे बिहाफ पर कोई दूसरा आदमी पे करेगा वो इनडायरेक्ट बन जाएगा, जबकि एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सर पेमेंट करने वाला कौन होगा ना, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पर लेवी होगा अगर बर्डन भी सेम पर्सन पर आएगा ना तब वो डायरेक्ट बनेगा, पेमेंट कोई भी करे, पेमेंट हमें क्या लेने देना है। और जैसे बच्चे ने बोला, बच्चे ने पहली लाइन सही बोली सेकंड में गलती कर गया, बच्चे ने बोला सर जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इट मीन्स बर्डन मेरे ऊपर आएगा, ये लाइन सही है। फिर बच्चे ने दूसरी लाइन में क्या बोला कि पेमेंट भी मुझे ही करनी पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है सर, मेरे ऊपर बर्डन आ गया ना, पेमेंट गवर्नमेंट करने वाला कौन है, वो कोई भी करे,
बच्चा ये बात कहता है सर अगर बर्डन मेरे ऊपर होगा तो पेमेंट भी तो मैं ही करूंगा। सर इनकम टैक्स में ऐसा हर केस में नहीं होता, आपको मैं एग्जांपल देता हूं टीडीएस का। एक बात में सोच के बोला, टीडीएस क्या है? आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के अंदर मैं जॉब करता हूं और गवर्नमेंट ने बोला जब कंपनी वाले इसको सैलरी बांटेंगे ना तो सैलरी में से कुछ टैक्स काटकर हमें जमा करवा देंगे। सोच समझ के बोला मेरी सैलरी 12 लाख रुपए एक साल की है, 12 लाख मेरी सैलरी है, आपने 1 लाख टीडीएस काट लिया, मुझे 11 लाख दिए। मैंने सैलरी कमाई, मेरे ऊपर क्या लग गया? टीडीएस लग गया, लेवी मेरे ऊपर हो गया, उसका बर्डन भी मेरी जेब पर आया, 1 लाख मेरी सैलरी में से कटा, बट पेमेंट करने वाली कंपनी है तो लगा किसी और पर, पेमेंट करने वाला कोई और है, बट टीडीएस इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं अपना एग्जाम्पल लू, लेवी मुझ पर एंड बर्डन भी मुझ पर, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो सर डेफिनेशन अगर बोलोगे सही तो लिखोगे सही, अगर आपने बोला ना कि डायरेक्टली पेमेंट करेंगे तब डायरेक्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लो ये बात कहना चाह रहे, अगर लेवी एंड बर्डन अगर दोनों सेम पर आएंगे तब डायरेक्ट बनेगा, अगर बर्डन किसी और पर आ जाएगा ना फिर वो इनडायरेक्ट बन जाएगा। एक बात मैं सोच के बताऊ सर, आप में से कौन कौन सा बच्चा कभी हल्दीराम, डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा हट कहीं पर गया हुआ है? ऑलमोस्ट सभी गए होंगे, अब तो वैसे भी रिजल्ट आया फाउंडेशन का, उसके बाद तो पार्टियां चली होगी आपकी थोड़ी बहुत। अब सर एक बात मैं सोच के बोला, आपका अभी जैसे रिजल्ट आया या जब भी आपका कभी आपने लाइफ में कभी पार्टी की हो, बर्थडे पार्टी की हो कुछ अपना, वैसे भी फेस्टिवल चल रहे हैं आज फरवरी के, तो कभी भी आपने पार्टी अगर पूर्टीज की हो, तो एक बात मैंने सोच के बोला, अब जब भी डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा हट कहीं पर भी गई हो, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसके बिल में जीएसटी लगा होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पर हल्दीराम वाला खड़ा हूं, इस बच्चे को और इस बच्चे को राग कचोरी खानी है, तो इसने उस बच्चे को बोला बहन ऐसा करते हैं क्लास के बाद ना राग कचोरी खाने चलते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा करते हैं कंट्री कर लेंगे, कंट्री नॉर्मली ऐसे होता है, हाँ भाई 50 तेरे 50 मेरे, आधी आधी तोड़ के आधी तू खा लू आधी मैं खा लू, दही बाहर गिरती रह जाए। अब हुआ क्या, ये बच्चा मेरी दुकान पर आ गया, हल्दीराम पर आ गया, इस बच्चे ने बोला सर एक राग चोरी कितने रुपए की है? मैंने कहा 100 रुपए की है, 100 रुपए, मैंने बोला 100 रुपए की, उसमें 90 मान लो वैल्यू है और 10 रुपए का जीएसटी। सोच समझ के बोला, जब मैंने इसको राग चोरी दी तो मैंने बिल काट के दिया होगा, अब गवर्नमेंट ने मुझे पीछे से बोला विवेक कि अगर तू गुड्स की सप्लाई करेगा ना तेरे ऊपर जीएसटी लगेगा, भाई अगर तू गुड्स बेचेगा तेरे ऊपर जीएसटी लगेगा। अब सोच के बोला मैंने राग चोरी की सप्लाई की, मेरे ऊपर जीएसटी लग गया, बट क्या उस जीएसटी का बर्डन मैंने अपनी जेब पर डाला या कस्टमर की जेब पर? मैंने क्या किया, कस्टमर की जेब में हाथ डाला, वहां से पैसे निकाले, फिर गवर्नमेंट को पे किया, तो लगा किसी और पर बर्डन, किसी और पर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर आज आप कहीं पर भी जाते हो, अगर लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर होगा तो वो डायरेक्ट बनेगा, अगर लेवी एंड बर्डन ये दोनों अलग अलग पर्सन पर आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट बन जाएगा। ये बात क्लियर है? तो एक बार चेक करना, देखो यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, देखो ये सबसे पहला है इनडायरेक्ट टैक्स, एक बार इसकी डेफिनेशन बोलना क्या लिखी है मैंने, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन ए पर्सन एंड बर्डन ऑफ सेम फॉल्स ऑन सम अदर पर्सन लाइक कस्टमर। मतलब लेवी एंड बर्डन जो होगा वो डिफरेंट पर्सन है, दूसरे पर्सन पर आएगा तो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, देखो अभी आंटी जी राग चोरी लेने के लिए गई हल्दीराम के पास, तो हल्दीराम ने क्या किया, कस्टमर की जेब में हाथ डाला, यहां से पैसे निकाले, फिर गवर्नमेंट को पे कर दिए, तो लगा इनके ऊपर है बर्डन, इसके ऊपर है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा अब गवर्नमेंट कहती है जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो आपका लगता किस पर है? गुड्स पर और सर्विस पर, इनकम प्रॉफिट पर नहीं लगता। आप समझदार हो, इनकम प्रॉफिट पर क्या लगता है? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स लगता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी नेचर क्या है? रिग्रेसिव। आपको शायद पता हो डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है? इनकम जितनी बढ़ेगी टैक्स उतना बढ़ेगा। सर एक बात मुझे बताना, इस बच्चे की इनकम 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है, 100 लाख है, 2 लाख है, 2, मतलब ये सारी अलग अलग इनकम कमा रहे हैं, आप सब लोग अलग अलग इनकम कमा रहे हो, अगर इनकम सबके अलग होगी टैक्स सबका सेम होगा? टैक्स सबका सेम होगा या इनकम के बेस पे आएगा? दैट इज प्रोग्रेसिव। अगर मेरी इनकम 10 लाख है तो टैक्स अलग आएगा, 20 उससे ज्यादा, 50 उससे ज्यादा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव नेचर होती है डायरेक्ट टैक्स की, ये जो है वो रिग्रेसिव है। अच्छा रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? फिक्स नेचर या कम होगा। फिक्स नेचर, गवर्नमेंट कहती है चाहे तू 50 बर्गर ले, चाहे तू 100 बर्गर ले, चाहे 200 बर्गर ले, रेट बर्गर पर सेम ही रहेगा। इट मींस नेचर रिग्रेसिव होगी, फिक्स नेचर होगी, ये बात ध्यान देना, वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, ये रिग्रेसिव नेचर का है।
ठीक है जी। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी एक बार, पहले तो बताओ टैक्स का मतलब मैंने क्या बताया, टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर एन एक्ट, इट इज आउटफ्लो फ्रॉम इनकम पेड टू दी गवर्नमेंट। कितनी तरह का होता है? दो, कौन कौन सा? डायरेक्ट और डायरेक्ट। टैक्स का मतलब क्या होता है? लेवी एंड बर्डन। अगर सेम पर्सन पर है तो वो क्या बन जाएगा, और अगर डिफरेंट पर्सन पर है तो? डायरेक्ट टैक्स की नेचर क्या होगी? आईडीडी की नेचर क्या होगी? रिग्रेसिव। ये बात ध्यान देना। अच्छा अब यहां पर एक बार चेक करना, इन डायरेक्ट टैक्स में ना आपके दो टैक्स आते हैं जी, एक तो जीएसटी और एक कस्टम। देखो मैंने कस्टम पे क्रॉस मारा हुआ है, कस्टम हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जीएसटी हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फाइनली अब से इस पॉइंट से अब हम यहां पर जीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करो फटाफट से दो मिनट लगाओ, पहले टैक्स का मीनिंग लिखो। लिखो जी मीनिंग ऑफ टैक्स, मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स का मतलब क्या है? अंडर एन एक्ट को ब्लॉक के अंदर बंद कर लेना, ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ रहा है, कंपलसरी है, तभी वो टैक्स बनेगा। अगर आप अपनी मर्जी से पे कर रहे हो, देना जरूरी है बट किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, तो वो एक टैक्स की कैटेगरी में कवर नहीं होता। ठीक है जी, आगे लिखो फिर। काइंड्स ऑफ टैक्सेस, टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं? लिखो जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरह का होता है टैक्स। या तो होगा डायरेक्ट टैक्स और या वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब सबसे पहले लिखो जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले लिखो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स which is levied on a person and the burden of same falls on some other person। मतलब लगेगा किसी और पर और burden जो होगा वो किसी और पर आएगा। ठीक है जी, तो लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर होगा तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। आगे लिखो इनडायरेक्ट टैक्स जो लेवी होता है वो किस पर लगता है? दैट इज गुड्स और सर्विसेज, नॉट इनकम और प्रॉफिट। इनकम और प्रॉफिट पर कौन सा लगता है? डायरेक्ट टैक्स। इनकम प्रॉफिट पर लगता है डायरेक्ट टैक्स। एंड फिर इसकी नेचर क्या है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है फिक्स नेचर, मतलब फिक्स नेचर, रेट फिक्स रहेगा चाहे जितना मर्जी गुड्स कंज्यूम कर लो। ठीक है जी,
अच्छा इसी के नीचे ना, इसी के नीचे पहले मीनिंग लिख लो डायरेक्ट टैक्स का भी, डायरेक्ट का भी मीनिंग लिख लो भी, लिखो मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा यहां पे एक बार पहले लिख लेना, लो जी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन ए पर्सन एंड द बर्डन ऑफ सेम फॉल्स ऑन सेम पर्सन, ठीक है ना, मतलब जिस पर्सन पे लगेगा, लेविड एंड बर्डन दोनों सेम पर्सन पर होंगे तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। और इसकी नेचर पता क्या है, प्रोग्रेसिव, भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा, जितनी इनकम ज्यादा बढ़ेगी उतना आपका टैक्स भी ज्यादा बढ़ेगा, ये इसकी नेचर है प्रोग्रेसिव, वो रिग्रेसिव है ना, ये प्रोग्रेसिव है, दोनों के अंदर ये फर्क है। हो गया नहीं, चलो जी अब इन दोनों का ना मीनिंग मैंने आपको लिखवा दिया, एक बार फटाफट से लास्ट टाइम मुझे रिवीजन करा दो सर, आपके टैक्स के टाइप्स कितने होते हैं, दो, कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, लेविड एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर है तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट, और अगर डिफरेंट पर्सन पर है तो। डायरेक्ट टैक्स की नेचर क्या है और आईडीटी की नेचर क्या है। अच्छा एक पॉइंट और यहां पे लिखवा देता हूं भी, डायरेक्ट टैक्स का जो डिपार्टमेंट है ना, जो कंट्रोल करता है, उसका नाम है सीबीडीटी, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, लिख लो डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सीबीडीटी, या डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट इज सीबीडीटी, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट इज सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इन डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कोई बताएगा कौन सा है, जो इन डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, इसका तो सीबीडीटी है, उसका कौन सा है, उसका है सीबीआईसी, लिखो जी इन डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, तो इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट इज सीबीआईसी, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये डिपार्टमेंट आपका है इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है नहीं। तो एग्जाम में ना कई बार एमसीक्यू के अंदर या वैसे भी पता पूछ लेते हैं कि भैया दोनों के डिपार्टमेंट का नाम बताओ, तो डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स का सीबीडीटी है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, सीबीआईसी, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है नहीं। लो जी फाइनली अभी तक सुना ध्यान से, अब इन सब बातों के बाद ना, अब यहाँ पे जो हमारे एग्जाम में 40 नंबर का जीएसटी है, अब उसको मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, बट उससे पहले एक बार इधर सुना ध्यान से, कहना क्या मुझे सर, एक बात मैं सोच के बताना, कुछ देर के बाद ना, कुछ देर के बाद अभी हम चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर अभी हमने कोई स्टार्ट नहीं किया, बट कुछ देर के बाद एक चैप्टर वन स्टार्ट कराऊंगा, उसमें कुछ बातें आपको मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा, बट उससे पहले एक बात मुझे बताना सर, इतना सा था तो बस, इंडिया में जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 17 को, ठीक है नहीं, इस दिन जीएसटी आया, इस दिन जब जीएसटी का जन्म हुआ ना, इससे पहले इंडिया में टोटल 17 तरह के टैक्स थे, मतलब 17 टैक्स खत्म किए गए और उसकी आत्मा जो है वो जीएसटी में डाल दी गई। अब जो गवर्नमेंट ने 17 टैक्स खत्म किए, 17, उसमें 9 टैक्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, 8 टैक्स थे स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब 9 टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़े, 8 छोड़े स्टेट गवर्नमेंट ने, ये खत्म करके गवर्नमेंट क्या लेकर आ गई, जीएसटी लेकर आ गई। और मे भी आपको पता हो, जीएसटी को लेकर आने के लिए ना, इंडिया की हिस्ट्री में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि हमें संविधान अमेंड करना पड़ा हो, और जीएसटी इंडिया में एक ऐसा टैक्स बना जिसको लेकर आने के लिए संविधान अमेंड करना पड़ा, संविधान अमेंड करना पड़ा। अच्छा जब अब संविधान अमेंड हुआ, संविधान अमेंड करना एक बहुत मुश्किल टास्क है, एक्ट बनाना कुछ भी नहीं है सर, एक्ट में क्या है, पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी है बीजेपी की, 2 मिनट में एक्ट आ जाते हैं आजकल तो, बट अगर आपको यहां पर संविधान अमेंड करना है तो हर स्टेट के पास जाता है, अप्रूवल मिलती है, फिर कहीं जाकर अगले लंबे प्रोसेस होते हैं, फिर कहीं जाकर संविधान अमेंड होता है। तो अब गवर्नमेंट को जब जीएसटी लेकर आना था, गवर्नमेंट ने क्या किया, संविधान अमेंड किया, और अब सुना ध्यान से, जब ये वो संविधान अमेंड किया ना, तो इंडिया के संविधान में एक आर्टिकल है 366, जैसे आपको शायद कभी आपको बताओ
इंडिया में जो एक्ट होते हैं ना, उसमें एक्ट में एक सेक्शन टू होता है डेफिनेशन का होता है। ऐसे इंडिया के संविधान में एक आर्टिकल 366 है, वो डेफिनेशन का है। उस आर्टिकल 366 के क्लोज नंबर 12 कैपिटल ए में उन्होंने जीएसटी की डेफिनेशन लिखी कि भैया जो हम जीएसटी लेकर आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, ये समझ लो उसका मतलब ये है, और इसके अलावा कोई मतलब जीएसटी का नहीं है। तो पहले हम स्टार्ट करने से पहले जीएसटी आपको मैं दिखा रहा हूं कि जीएसटी की डेफिनेशन जो है वो संविधान में क्या लिखी हुई है। एक बार चेक करना सर, यहां पर देखो जी, बहुत ध्यान से पढ़ना सर, बहुत सारी गलतियां आप करोगे, बहुत चीजें मुझे भी सही करानी है। आपको लगने में लग रहा है चार पांच लाइनें हैं, ये लगा लो ये चार पांच लाइन नहीं है, जो जीएसटी में जितने सारे चैप्टर है ना सिर्फ इसके अंदर से निकलेंगे वो हमारे। एक बार ऐसा करना, एक बार दोबारा से बोल दो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो यहां पर आर्टिकल नंबर 366 12 ए, इसमें जीएसटी को डिफाइन किया गया है। मेरा पूरी क्लास से बस एक रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग से और एंड तक इस डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करो, क्या लिखा हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लो जी ये जीएसटी की डेफिनेशन है। इट मींस पहली बात तो वो ये बात कहना चाह रहा है कि जीएसटी क्या, सुना जीएसटी मींस, सर एक बात मैं सोच के बोलना, अब बहुत सारे बच्चों को ना ये बात पता नहीं होती क्योंकि फाउंडेशन लेवल के बाद जब बच्चा आता है ना तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है, बट एक्चुअल में डिटेल में मीनिंग्स क्या होते हैं वो पता नहीं होता। एक बात मैंने सोच के बोला, फाउंडेशन में आपने थोड़ा बहुत लो पढ़ा होगा, अकाउंट्स पढ़ा होगा, आपने कोई ना कोई पेपर जरूर पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं कभी ना कभी तो कुछ आपने पढ़ा होगा। जब भी आप कोई डेफिनेशन रीड करते हो ना तो हर डेफिनेशन के बाद कुछ वर्ड आते हैं, कुछ वर्ड आते हैं। जैसे आपने लो के अंदर अगर आपकी लो स्टार्ट आपने किया है तो लो में कंपनी की डेफिनेशन है, उसमें लिखा हुआ है कंपनी मींस। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, जीएसटी मींस। अच्छा कई बार मींस के अलावा, कई बार मींस के अलावा यहां पर एक वर्ड लिखा होता है इंक्लूड्स, या कई बार एक वर्ड लिखा होता है सच एज, या कई बार एक वर्ड लिखा होता है नेमली, और कई बार एक वर्ड लिखा होता है बाय वे ऑफ। अब प्लीज ध्यान सुनो सर, बहुत काम की बात है, आज हमारी दूसरी क्लास है, आज ही आपको बता देता हूं कि अगर लाइफ में कभी कभी भी आप खुद लो पढ़ो और अगर आपको इनमें से कोई वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है। अब जब मैं बच्चे से बोलता हूं कि जीएसटी मींस, तो मींस का मतलब क्या है, बच्चा कहता है सर क्या बेकार की बात कर रहे हो, मींस का मतलब मतलब है भाई, जीएसटी मींस, मींस का मतलब मतलब। अच्छा मींस का मतलब मतलब है, आप बोलने के लिए तो सही है बट लो में मींस का मतलब कोई मतलब नहीं होता। इट मींस अगर मैंने बोला जीएसटी मींस, मींस का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, कि जीएसटी में यही कवर होगा जो यहां पर लिखा है, इसके अलावा जीएसटी में कुछ कवर नहीं होगा। अच्छा अगर यहां पर लिखा होता जीएसटी इंक्लूड्स, दैट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, इट मींस जीएसटी में यह तो आएगा और भी आ सकता है। अगर यहां पर लिखा होता जीएसटी नेमली एग्जॉस्टिव, अगर लिखा होता जीएसटी सच एज दैट इज इंक्लूसिव, और अगर लिखा होता जीएसटी बाय वे ऑफ दैट इज एग्जॉस्टिव। मैं कहना ये चाह रहा हूं आप लाइफ में, अभी तो आपकी कोचिंग स्टार्ट हुई है, आप जब सीए फाइनल के अंदर जाओगे, सीए इंटर में, सीए बनने के बाद भी जब भी आप कभी खुद लो पढ़ोगे इनमें से कोई वर्ड दिख जाए तो समझ जाना वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सर। एक बात में सोच के बताना, आप थोड़ा प्रैक्टिकली ना कभी सोचा करो कि फर्क क्या पड़ता होगा इन छोटे छोटे वर्ड से। सर एक बात में सोच के बोला, ये बच्चा मेरे पास साइज के फादर और ये बच्चा मेरे पास आ गए, बच्चा ये बात कहता है मान लो, अभी तो चलो मींस वर्ड लिखा है ना, मान लो इंक्लूड्स वर्ड होता, अगर मान लो इंक्लूड्स वर्ड होता तो ये बच्चा मेरे पास आया, इसके पापा ने बोला कि सर कि मेरे डॉटर ने बताया कि आप टैक्स पढ़ाते हो तो आपको टैक्स की नॉलेज थोड़ी बहुत है, तो मुझे ना कंसल्ट कर दो जीएसटी के बारे में क्या चीज है कैसे, और यहां पे लिखा था इंक्लूड्स, तो मान लो इसके फादर ने जो मुझे बिजनेस बताया ना वो इस लाइनों में कहीं कवर नहीं था। अब अगर इसके फादर ने जो मुझे बिजनेस बताया, इसके फादर का बिजनेस इस लाइन में कहीं भी कवर नहीं है, सारी लाइनें मैंने पढ़ ली, फादर का बिजनेस कहीं नहीं आ रहा, और जब बिजनेस कहीं नहीं आ रहा, अब नॉर्मल लॉ पढ़ने वाला क्या बोलेगा कि अगर बिजनेस कहीं नहीं आ रहा, डेफिनेशन में कहीं नहीं आ रहा, तो आपके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं जी। बट सोच के बोला, अगर मैंने बोला जीएसटी नहीं लगेगा, इसके फादर साहब बाहर गए, दूसरा सीए मिल गया अच्छे वाला, उसने बोला सर ऐसा किसने बोल दिया आपका बिजनेस नहीं आ रहा, आपका बिजनेस तो आ सकता है, तो
तो फादर ने बोला यार वो भी तो सी है, उसने बोला कि देखो मैंने उस खुद चेक की है, मैंने खुद चेक की है, उसमें कहीं भी मेरा काम कवर नहीं है। उसने कहा सर इंक्लूड्स वाला लिखा है ऊपर। इट मीन्स इंक्लूड्स का मतलब क्या है कि जीएसटी में ये भी कवर होंगे, और भी कवर हो सकते हैं, ये उसने कहा लिखा यही कवर होंगे। अब सोच के बोलना अगर मींस और इंक्लूड्स की गेम में अगर आप फंस गए तो आप क्या कंसल्ट करोगे। हाँ अगर मींस वर्ड लिखा होता और पापा का बिजनेस यहां पर नहीं आता तो इट मींस नहीं आता। तो ये बहुत बड़ा टास्क है कि हमें पढ़ना कैसे है। अगर मींस है दैट इज एग्जॉस्टिव भैया, यही है जो है, और अगर इंक्लूड्स है तो भैया ये तो आएंगे, और भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बोल देना। अब जीएसटी की बात करते हैं, वर्ड क्या लिखा है इंक्लूड्स या मींस, तो डेफिनेशन अपने बोल दो। अब ये डेफिनेशन क्या बन गया, इंक्लूसिव एग्जॉस्टिव, तो जीएसटी में ये भी कवर होगा या ये ही कवर होगा। बस ये ही कवर होगा, और दुनिया की कोई भी ताकत अगर कुछ बोले कि जीएसटी में ये भी कवर कर लो, मतलब ही पैदा नहीं होता। अब एक बार चेक करना जीएसटी में क्या है। वो कह रहे हैं जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई। अब प्लीज ध्यान सुनना सर, एक बात मैं सोच के बोलना, मैं आपके सामने जो भी काम कर रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने मैं जो भी काम कर रहा हूं, क्या ये काम मेरा क्या है, मतलब गुड्स है या सर्विस है। मैंने आपको कल भी कहा था गुड्स एंड सर्विस दोनों को कॉम्बिनेशन है, बट उसको हम सर्विस मानते हैं। अच्छा मेरा काम सर्विस है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, प्रोविजन ऑफ सर्विस है। आपके फादर लैपटॉप बेचते हैं, लैपटॉप की सेल करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं जो मैं आपके सामने ये सर्विस दे रहा हूं, क्या इस सर्विस पर जीएसटी है, यस या नो। यस, अब सोच के बोलना, आर्टिकल ने बोला, संविधान ने बोला कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विस की ना सप्लाई पर है। इट मीन सर्विस पर जीएसटी है, बट सर्विस के क्या होने पर, सप्लाई होने पर, सर्विस देने की बात नहीं कर रहे। एक बच्चा मुझे आके बोलता, बच्चा कहता सर सेल पर जीएसटी है, मैंने कहा है। बच्चा कहता सर्विस पर जीएसटी है, मैंने कहा है। बच्चा कहता मैन्युफैक्चरिंग पर जीएसटी है, मैंने कहा है। अब जब मैंने बोला सर्विस पर जीएसटी है, सेल पर जीएसटी है, मैन्युफैक्चरिंग पर जीएसटी है, मेरा बोलने का मतलब यह है कि सर्विस पर जीएसटी इसलिए नहीं है कि वो सर्विस है, इसलिए है कि सर्विस सप्लाई में कवर होती है। सेल पर जीएसटी इसलिए नहीं है कि आपने सेल की है, सेल पर इसलिए है क्योंकि सेल सप्लाई में कवर होती है। तो सिंपल सी बात कहना क्या चाहता हूं कि जो भी ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर होगी तब जीएसटी के बारे में सोचना, अगर मेरा काम सप्लाई में ही कवर नहीं होगा तो जीएसटी के बारे में सोचना ही मत। तो एक सबसे बड़ा चैप्टर जो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं, दो या तीन लेक्चर जब भी हम करेंगे, सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे सुंदर चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सप्लाई का जीएसटी में, वो जीएसटी की बैकबोन है। इट मीन अगर किसी पर्सन को यही नहीं पता ना कि सप्लाई क्या है, वो क्या कंसल्ट करेगा जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल ने साफ साफ बोला कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सप्लाई पर लगेगा। और अगर मुझे यही नहीं पता कि जो मैं काम कर रहा हूं वो सप्लाई में आएगा या नहीं आएगा, तो मैं क्या कंसल्ट करूंगा जी। तो कभी लाइफ में यह मत बोलना सर्विस पर जीएसटी है, कभी लाइफ में यह मत बोलना सेल पर है, सेल सप्लाई में कवर है इसलिए जीएसटी लगा होगा, अगर वो सेल बाहर निकाल देते तो जीएसटी का मतलब ही नहीं था। अच्छा एक बात और सोच के बताना, वैसे आपसे नॉर्मली पूछता हूं, आपको क्या लगता है सप्लाई में क्या कवर होता होगा, मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला होगा कि सप्लाई, कि गवर्नमेंट ने क्या बोला होगा कि हम सप्लाई इसे मानेंगे। इतना बोल दो मैं आपके सामने जो काम कर रहा हूं, क्या ये काम सप्लाई बनता है। सोच के बोला क्या ये काम सप्लाई में कवर होता होगा, यस या नो। यस, अच्छा आपने बोला मेरा काम सप्लाई में कवर होता होगा, आपके मन में ये विचार क्यों आया। मैं नॉलेज दे रहा हूं इसलिए, नॉलेज तो बहुत लोग देते हैं, आज हर आदमी नॉलेज देता है, हर आदमी आज को तो आज तो इंडिया में रहने वाला हर आदमी एडवाइस देता है, छोटा बच्चा भी कई बार एडवाइस दे रहा था, उसको पता कुछ होता नहीं बल्कि। तो एडवाइस और नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके सामने काम कर रहा हूं। अच्छा एक बात बोलना, मैंने आपके सामने जो काम किया, क्या ये काम फ्री में किया या पैसे चार्ज किए। और सोच के बोला जहां पैसे चार्ज होंगे तो ऑब्वियसली पता गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सप्लाई बनेगा। और अगर मैंने यूट्यूब पे, जैसे मैं कई बार यूट्यूब पे फ्री क्लास डाल देता हूं, रिवीजन क्लास हो गई, ये मतलब नॉर्मल क्लास हो गई, फ्री मैंने डाल दी, अब वहां पर बच्चे को कई बार क्या लगता है एडवर्टीजमेंट भी आती है सर। तो एडवर्टीजमेंट आती है, ध्यान रखना एडवर्टीजमेंट आती है, वो मेरा कंसीडरेशन नहीं है। मैंने बच्चों के लिए क्लास डाली, बच्चों से मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने फ्री में एक तरह से काम किया बच्चों के लिए। तो आपको आगे जाकर दिखाऊंगा जीएसटी में कुछ काम फ्री वाले भी ऐसे होते हैं जो सप्लाई में कवर हो जाते हैं। अभी सिर्फ इतना सुनना इसको पढ़ने के बाद कि जीएसटी, अपने बोल देना क्या जीएसटी सेल पर है।
आप आंसर नहीं दे रहे। क्या जीएसटी सेल पर है, क्या सर्विस पर है, क्या मैन्युफैक्चरिंग पर है, क्या एंटरटेनमेंट पर है, क्या परचेस पर है, किस पर है? सप्लाई पर। बस ये बात ध्यान देना भैया। अगर कोई बाहर जाके बोलता ना कि जीएसटी किस पर है, तो गलती सही मत बोल देना, सर्विस पर है। सर जीएसटी सर्विस पर है, उसके सप्लाई होने पर है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक बात मुझे बताओ, ये बोतल आपके सामने खड़ी, ये बोतल आपके सामने है, ये बोतल क्या है? सर्विस है या गुड्स है? अब सोच के बोला, ये बोतल गुड्स है, ये बोतल गुड्स है। अब ये बोतल यहीं खड़ी है, ये बोतल ना तो कहीं इधर जा रही है ना कहीं उधर जा रही है, यहीं खड़े खड़े खुश होती जा रही है अपने आप ही। अब अगर ये बोतल यहीं पर खड़ी है, ना ये कहीं आ रही है ना ये कहीं जा रही है, यहीं खड़े खड़े स्माइल पास कर रहे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? इसके खड़े होने पर जीएसटी नहीं है। जब तक इस गुड्स में कोई हलचल नहीं होगी, जब तक इस सर्विस में कोई हलचल नहीं होगी, उस पर जीएसटी लग ही नहीं सकता। और उस हलचल और हरकत को नाम दिया गया सप्लाई का। तो सर जीएसटी गुड्स पर है, नो डाउट गुड्स पर है, बट गुड्स के कुछ होने पर है। जीएसटी सर्विस पर है, सर्विस के कुछ होने पर है, उस होने को नाम क्या दे दिया? सप्लाई। बात समझ में आ रही है? अब दोबारा से बोला क्या लिखा हुआ है, जीएसटी मींस, बोलो आगे, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और, ये मैं आपको कल समझा चुका हूं कि अगर मैं सिर्फ गुड्स में डीलिंग करूंगा तो भी जीएसटी लगेगा, सिर्फ सर्विस में डीलिंग करूंगा तो भी लगेगा, एंड गुड्स एंड सर्विस दोनों में डीलिंग करूंगा तो भी जीएसटी लगेगा। एग्जाम्पल मैंने अपना दिया था, अगर मैं टीचर हूं तो मैं गुड्स एंड सर्विस दोनों की सप्लाई करता हूं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, गुड्स एंड सर्विस दोनों है। आप सैलून के पास जाते हो, गुड्स एंड सर्विस दोनों है। आज बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर भी जीएसटी लगता है। तो गवर्नमेंट ने बोला तो गुड्स वाला है तो भी यहां पर आएगा, सर्विस वाला तो भी, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना तो भी यहां पर तो कवर होगा। अच्छा, अब फिर गवर्नमेंट ने बोला एक्सेप्ट, इतना बोलना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? इस पर भी जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? मतलब गवर्नमेंट ने बोला, ध्यान सुनना, गवर्नमेंट ने बोला सारे गुड्स की सप्लाई पर जीएसटी लगेगा, सारी सर्विस की सप्लाई पर जीएसटी लगेगा, बट शराब की सप्लाई को छोड़कर। इंडिया में जितने गुड्स हैं उन सब की सप्लाई पर जीएसटी लगा दो, बट शराब पर जीएसटी मत लगाओ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, शराब बाहर क्यों निकाल दी? शराब बाहर क्यों निकाल दी? शराब पर जीएसटी क्यों नहीं है सर? नहीं, और टैक्स तो बाकी गुड्स पर भी तो थे पहले, उन पे क्यों हटा दिए, इस पे क्यों नहीं हटाया? आपको मैंने बोला ना 17 टैक्स पहले लगते थे ना, अब 17 टैक्स पहले थे वो तो हटा दिए, लीकर बाहर क्यों निकाल दिया, लीकर पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया? हर स्टेट पे अलग अलग टैक्स लगता है। चलो और बताओ, इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं, एक बात मुझे बताओ सर। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंडिया में जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 17। अब जब इंडिया में जुलाई 17 को जीएसटी आया, उससे पहले इंडिया में ना 17 टैक्स थे। और सर आपको क्या लग रहा है, ये जीएसटी 17 में आया, क्या इसकी बातें 17 में ही स्टार्ट हुई होंगी? 1994 से ही जीएसटी आना चाहता था, फिर 2004 में तो जबरदस्त तरीके से आना चाहता था, फिर आया 17 में। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर यह बोल देता था अगले साल आएगा। क्यों? स्टेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप सब जानते हो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, स्टेट की सरकारें अलग हैं, केंद्र के अलग हैं, चाहे कोई अच्छा काम करे फिर भी हमने बुरा बोलना ही है, क्योंकि हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी है ना, हमें वोट बैंक देखना, ऑब्वियस सी बात है। अब होता पता क्या था, हर बार मतलब रूलिंग पार्टी बोलती थी हम लाएंगे, दूसरे वाले बोलती थी हम नहीं लाने देंगे, यही काम चलता गया, इतने साल से ही काम चलता गया। अब जबरदस्ती जब पीछे से प्रेशर क्रिएट हुआ, क्यों? फॉरनर ने बोला हम इंडिया में नहीं आएंगे जी। फॉरनर कह रहा है इंडिया में क्यों आए, हमारी कंट्री में जीएसटी है, तुम्हारी कंट्री में 17 टैक्स है, 17 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, 17 बार सीए मेंटेन करो, 17 की कोस्ट बियर करो, भैया हम तुम्हारी कंट्री में नहीं आ रहे जी। क्योंकि सीए ऑब्वियस बता सर, सीए आज बहुत कॉस्टली है इंडिया के अंदर। आज नॉर्मल सी बात है, अगर वो मुझे रिटर्न फाइल करनी है, सीए मैं हूं, मैं रिटर्न फाइल करता हूं, मैं 2000 रिटर्न फाइल करने के लिए लेता हूं, और अगर कोई फॉरनर उसको तो मैं लूटने की करता हूं सर। फॉरनर को तो सीए क्या, रिक्शे वाले नहीं छोड़ते बाहर? अगर बाहर से फॉरनर आ गया, 100 रुपए मांग रहे रिक्शे वाले, जबकि 20 रुपए लगते हैं, उनको पता, उनको समझ नहीं आया कुछ, और उनको नहीं पता देखने में फॉरनर लग रहे हैं, वो है इंडिया का ही। वो तो सिंपल सी बात सोच के बोला, 100 रुपए रिक्शे वाले से आपने मांग लिए, इट मीन्स फॉरनर को तो लूटने की करेंगे ना, क्योंकि बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं। तो होता क्या था, फॉरनर कहता भाई मैं इंडिया में आऊं क्यों,
भाई तुम्हारी कंट्री में 17 टैक्स है, मेरी कंट्री में एक है, मैं पहले अपने बुक्स मेंटेन करूं फिर 17 तुम्हारे मेंटेन करूं, मैं यही काम करता रहूं। जब एक एंड हो गया कि भैया अब कुछ हो ही नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 0/0 हो रही है, तब जाके गवर्नमेंट को लगा अब जीएसटी लाना पड़ेगा। और उस टाइम तक बीजेपी गवर्नमेंट पूरे पीक पे थी, जब 17 के अंदर आया तो बीजेपी गवर्नमेंट पूरे पीक पे थी, मेजोरिटी पूरी थी। तब हुआ क्या, तो उस टाइम जेटली साहब भी थे, जेटली साहब भी जीएसटी लेकर आए थे, तो मोदी साहब ने भाई अपना जेटली साहब से बात की कि यार जीएसटी तो लेकर आना है, क्या करें। तो जेटली साहब ने बोला सर हम तो खुद लाना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही। और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे एक ही फैमिली, वो हमारी पप्पू फैमिली। भाई वो कहती है भाई हम जीएसटी लाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, उसे पता नहीं है जीएसटी में क्या है, बट उसको ये जरूर पता है मना मुझे करना है, क्या भाई मैं लाने नहीं दूंगा, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, बट मेरा एक आदत है कि मैं मना करूंगा कि मोदी साहब ये काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम करेंगे। तो जेटली साहब ने बोला सर वो नहीं मान रहे, तो मोदी साहब ने बोला उनसे पूछो कि क्या दिक्कत है उन्हें, और जो उनकी प्रॉब्लम होगी वो तुम रिजोल्व कर दो, बट जीएसटी तो लाना पड़ेगा क्योंकि फॉरनर इंडिया में आ नहीं रहे, इंडिया की जीडीपी पहले ही डाउन गिरी पड़ी है। तो जब जेटली साहब ने राहुल गांधी से बात की तो राहुल गांधी घर जाकर मम्मी से बोलता है भाई मम्मा मम्मा अपना बताओ, अपना मोदी साहब कह रहे हैं भाई जीएसटी लाना है, तो बताओ अब क्या करें। तो मम्मी जी ने बोला, उन्होंने कहा भाई ऐसा कर जाके ना उनको बोल दे हमारी दो बातें हैं, अगर वो दो बातें मान लेते हैं तो हम जीएसटी लेकर आ देंगे। सबसे पहली बात शराब हमें चाहिए, कि वो शराब पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, शराब हमें चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हो सर आज सबसे मोटा रिवेन्यू हर स्टेट को शराब से आता है। आपको शायद पता हो, जैसे बच्चे ने बोला शराब एक स्टेट का मैटर है, आप में से अगर किसी बच्चे ने कभी अगर शराब की बोतल देखी हो उस पर लिखा होता है ओनली सेल इन हरियाणा, ओनली सेल इन यूपी, ओनली सेल इन दिल्ली, लिखा होता ये क्या आर्मी, आर्मी वाले बियर पीर पीते हैं। हाँ, सब में लिखा होता है सर। अच्छा उसमें ये लिखा होता है ओनली फॉर आर्मी, अच्छा नॉट फॉर सेल लिखा था, मैंने कहा ये लिखा होता है ओनली फॉर आर्मी, उनके लिए अलग बनती है, शायद उन्हें थोड़ी कम चढ़े भाई, ये ना होना कि अपना जोश आके गोलियां कहीं भी धाक दें अच्छा नॉट फॉर सेल वो तो सर, वो तो आप जाओ डॉक्टर के पास, जो मेडिसिन आती है नॉर्मली उनके पास सैंपल आते हैं, वो वहां पर भी नोट फॉर सेल लिखा होता है, वो कैंटीन की बात है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप कई बार देखना, जैसे अब दिल्ली के अंदर कल परसों ड्राई डे मेरे ख्याल से चल रहा था, ये कल परसों जो इलेक्शन था, इलेक्शन ड्राई डे था ना, तो मैं जैसे बाहर निकला क्योंकि मेरा घर है वैशाली में, मैं मतलब रहता हूँ वैशाली के आसपास रहता हूँ, तो मैं वहां जाता ना, जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो आसपास से दुकानें इतना भीड़ लगी पड़ी, इतनी भीड़ लगी पड़ी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई यहाँ भीड़ लगी पड़ी। जब मुझे जब मैं अपना क्लास लेने के लिए आया फिर पता लगा भाई यहाँ पे सारी शोज बंद है, इसलिए वहां पर लोग घूम गए। मतलब सर जिसने पीनी है ना वो भाई साहब वैशाली क्या, मुझे लग रहा है कहीं तक भी जा सकता है। मतलब मैं उस दिन हैरान हो गया कि नॉर्मली मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो नॉर्मल अपना कस्टमर कई बार नहीं होता, उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ मुझे समझ ही ना आए भाई, मैंने कहा भाई क्या समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ के पता लगा भाई यहाँ पे सारी दुकानें बंद है इसलिए वहां पर जाके भीड़ है। अच्छा अब कभी भी आप अगर बोतल देखो उस पर लिखा होता है ओनली फॉर हरियाणा, ओनली फॉर यूपी, क्योंकि जितनी बोतल वहां बिकेंगी वो रिवेन्यू उस स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अच्छा अब तो अपना राहुल गांधी ने आके बोल दिया जेटली साहब को कि देखो जी पहली बात तो शराब हमारी है, दूसरी बात जो मम्मी कह रही है कंडीशन हमारी ये है कि अगर हमें कल जीएसटी आने से लॉस हो गया तो हमें कंपनसेट कौन करेगा, भाई हमें कंपनसेट भी तो करो ना। तो मोदी साहब ने बोला भाई क्या बेकार की बात कर रहे हो, कि हमें भी तो लॉस हो सकता है क्योंकि जीएसटी हमें थोड़ा पता फायदा ही होगा, हमें भी तो लॉस होगा। उसने कहा देखो जी अगर तुम्हें कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आ जाओ, नहीं तो हमारी तरफ से जीएसटी मत लाओ। अब घर जाकर जेटली साहब और मोदी साहब की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा बताओ अब क्या करें, चलो शराब का तो बड़ा गंदा उन्होंने काम छेड़ दिया क्योंकि शराब तो हमें भी चाहिए थी और शराब उन्हें भी चाहिए, तो अगर शराब दोनों को चाहिए तो करें तो करेगा, क्योंकि अगर शराब उनके पास जाती है तो मोटा रिवेन्यू, इतना बड़ा रिवेन्यू सारा उनके पास जाएगा। बट दूसरी दिक्कत फॉरनर नहीं आ रहे, वो कह रहे हम तब आएंगे जब तुम जीएसटी लेकर आओगे, अब करें तो करें क्या। और दूसरी उन्होंने कंडीशन छेड़ दी, अगर हमें नुकसान हुआ तो हमें कंपनसेट कौन करेगा। अब एक बात सोचना, 17 टैक्स में से ना 17 टैक्स में से 9 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खत्म हुए थे, 8 खत्म हुए थे स्टेट गवर्नमेंट के। इन सबकी हत्या होने के बाद, इनकी डेथ होने के बाद इंडिया में जन्म लिया जीएसटी ने। तो राहुल गांधी को समझाया गया कि भैया 9 तो हमारे भी हैं
और आठ तुम्हारे, बल्कि तुम्हारे तो एक कम खत्म कर रहे हैं हम, फिर भी तुम्हें नुकसान हो रहा है कि भाई हमें कंपनसेट करो। राहुल गांधी ने बोला सिंपल सी बात यह है सर, आप हमें कंपनसेट करोगे तो हां बोलो, नहीं तो हमारी तरफ से जीएसटी नहीं आ रहा। अब जेटली साहब से बात की ना मोदी साहब ने, उसने कहा देखो जी कुछ तो करना पड़ेगा। जेटली साहब ने बोला सर एक तरीका मैंने देख लिया, आप जाके राहुल गांधी से मीटिंग कर लो, उन्हें बोल दो हमें दोनों कंडीशन मंजूर है, कि पहली कंडीशन शराब भी तुम्हारी और दूसरी कंडीशन अगर तुम्हें लॉस हो गया हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। तो मोदी साहब ने बोला जेटली साहब को यार तुम बोल तो रहे हो कि मैं जाके उन्हें बोल दूं, पर तुम कैसे कंपनसेट करोगे, मतलब कैसे, क्योंकि हमें भी नहीं पता प्रॉफिट होगा नहीं होगा। उसने कहा सर छोड़ दो आप, मैं क्या करूंगा, इंडिया के जितने नशेड़ी है ना सबको पकड़ लूंगा, उन नशेड़ियों पर मैं सेस लगा दूंगा, कंपनसेशन सेस। जो लोग सिगरेट पीते हैं, पान मसाला, चरस, गांजा, टबैको, इन सब पर आपने सुना होगा सेस, नॉर्मली सुना होगा 3% 4%, सिगरेट पर लगा 290% सेस। इनमें आज अगर कोई आदमी सिगरेट पी रहे ना 290% वो कंपनसेशन सेस पे कर रहे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी तो अलग पे कर रहा है 28% से, 290% सेस पे कर रहा है। कैन यू इमेजिन एक सिगरेट कितने की पड़ती होगी, सिगरेट की को सिर्फ 2 या 3 रुपए की होगी, 10-10 रुपए की मार्केट के अंदर बिक रही है, उसमें प्रॉफिट भी तो है उनके, मतलब 2 रुपए की सिगरेट मार्केट में 10 रुपए की बिक्री है, 290% सेस लग रहा है, 28% जीएसटी लग रहा है, उसके अलावा सर सोच के बोलना और भी कई सारे बीच वाले टैक्स होंगे जो लगते होंगे, प्रॉफिट भी होंगे कईयों के, तब जाके सिगरेट 10 रुपए की मिल रही है। अब सोच के बोला, तो जेटली साहब ने बोला आप टेंशन मत लो जी, हम सारे नशेड़ी पकड़ लेंगे, और पान मसाला ये रिक्शे वाले जो तालियां मारते हैं 5-5-6-6, ये 5-5-6-6 तालियां मारते हैं, वो वाइट छोटी सी डिब्बी पता नहीं अपनी जेब में रखते हैं कहां रखते हैं, ऐसे निकालते हैं उसमें से वो मसल मसल के पूरा वो करके अपना अंदर ले जाते हैं, उनको नहीं पता सर उसमें भी सेस लगे हुए हैं। जो लोग चरस गांजा अफीम खा रहे हैं, आपको रजनीगंधा एक आता है, रजनीगंधा के अंदर मेरे ख्याल से टबैको नहीं होता, रजनीगंधा के मुझे नहीं पता मैंने नहीं खाया कभी, बट मैं कह रहा हूँ रजनीगंधा के अंदर लिखा होता है नो टबैको, ये मेट्रो पे उनके बोर्ड लगे होते हैं। आपको पता है रजनीगंधा जब आया था उसकी टैगलाइन क्या थी, रजनीगंधा की टैगलाइन क्या थी, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। सर अभी तो उसके अंदर टबैको नहीं था, अगर टबैको होता तो दुनिया कहां उखाड़ के गिर देते आप, अभी तो बिना टबैको कदमों में दुनिया आ गई थी, मतलब टैगलाइन तभी वो टैगलाइन हटवा दी थी, अब वो उसकी टैगलाइन नहीं है, अब कुछ और ही टैगलाइन चल रही क्या, मुंह में है रजनीगंधा दिल में दुनिया, अब सही है, मतलब पहले कदमों में दुनिया आ गई थी, और क्या कह रहा है बच्चा विमल हाँ जुबां केसरी, मतलब कमाल की बात, देखो इनकी टैगलाइन देखो सर, अब जितनी जुबां केसरी है और जितनी कदमों में दुनिया है सब पे सेस लग रहा है, पान बाहर का आया होगा कुछ, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जितने भी ये जो पान बहार ये सब चल रहे हैं ना, तबैको जो कुछ भी चल रहा है, पान बहार चरस ये जो भी, मुझे नहीं पता इनके नाम जो भी है, मतलब इन सब पे 204% सेस है पान मसाला पे। अब सोच के बोला अच्छा अब देखो गवर्नमेंट ने क्या क्लेवर मूव लिया, अगर जीएसटी लगाते सिर्फ 28% सिगरेट पे, सिगरेट पता कितने की मिलती, 2-3 रुपए की, 2-3-4 रुपए की सिगरेट मिलती, और अगर ऐसा होता फिर बच्चा बड़ा सिगरेट पी लेता, फिर एक छोटा सा बच्चा टॉफी लेने के लिए जा रहा है बेचारा, उसने कहा साथ में भैया खड़े हैं 2 रुपए दे रहे हैं और सिगरेट ले रहे हैं, क्या क्या बोलेगा एक भाई साहब वो छोटे से, मतलब क्या गवर्नमेंट का मोटिव ये होगा सिगरेट प्राइस कम करना, गवर्नमेंट को पता था कि भैया अगर ऐसा होगा तो बहुत दिक्कत आ रहेगी, तभी गवर्नमेंट ने क्या बोला सेस लगाओ। और आप सब जानते हो निशेड़ी कभी अनशन नहीं करते, आपने कभी देखा नशेड़ी जनपद में बैठ गए हाय हाय शराब महंगी हो गई, हाय सिगरेट महंगी हो गई, अगर वो अनशन में बैठ जाएंगे तो पता लग जाएगा ना नशेड़ी है भाई, सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं हूं, मैं अनशन में बैठ गया हाय हाय शराब महंगी हो गई, इसका मतलब क्या है, मैं शराब पीता हूं तभी तो मुझे दिक्कत है, अगर मैं शराब पीता ही नहीं हूं तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, चाहे 500 रुपए कर दो चाहे 600 रुपए कर दो मुझे दिक्कत ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को पता था, जेटली साहब को पता था कि भैया इंडिया के जो नशेड़ी है ना उन सबको पकड़ लो, तो उसने मोदी साहब को बोला आप टेंशन मत लो, राहुल गांधी के पास जाओ, उन्हें बोल दो शराब भी तुम्हारी, हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे कैसे भी करें। और जब ये दोनों बातें मानी गई तब जाके इंडिया में जीएसटी आया और एक नया एक्ट बन गया, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
ये सिर्फ कमिटमेंट जो हुई है, ये जो वादे हुए हैं कि हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे, पूरी जिंदगी भर के नहीं हुए, सिर्फ 5 साल। सिर्फ 5 साल तक मोदी गवर्नमेंट ने बोला हम 5 साल तुम्हें संभाल सकते हैं, उसके बाद जीएसटी अपने आप इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। और राहुल गांधी और उनकी गवर्नमेंट और पूरी स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किए हैं कि 5 साल तक हमें हमारा साथ दे दो, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे टैक्स तुम्हारे, हमारे टैक्स हमारे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जीएसटी के बाद 2.5 साल हो चुके हैं, सिंगल पैसा भी अभी तक लॉस नहीं हुआ। अब एक बच्चा मुझसे बोल पड़ा, कहता सर कि अगर लॉस नहीं हुआ तो जो ये पैसा नशेड़ियों से ले रहे हैं, जो पैसा है सेस का आ रहा है, वो तो इसलिए लिया था कि कंपनसेट करना पड़ेगा, तो सारा उनका बच ही रहा होगा अभी, क्योंकि लॉस तो उन्हें हो ही नहीं रहा। राहुल गांधी को बात पता थी, उनको नहीं पता थी, मतलब उनको तो इतना कुछ पता नहीं होता। उनके पिछले वाले लोगों ने बोला कि भैया ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कल लॉस ना हो तो ये सारा पैसा उनका बच जाएगा, तो उनसे अभी लिखवा लो कि अगर ये पैसा सेस वाला जो तुम लोगे वो हमारे लिए यूज करोगे, अगर कुछ बच जाएगा तो दोनों का हिस्सा बराबर होगा। तो यार जितना पैसा उस सेस का आ रहा है सारा बच रहा है, और जब वो बचेगा तो क्या होगा, 50 उनका, 50 गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, आप सब जानते हो इस बार कितना मोटा रिवेन्यू जीएसटी से आया है, तो हर बार रिवेन्यू बढ़ ही रहा है सर, लॉस तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो एक उनको इनसिक्योरिटी थी कि अगर हो गया तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई हम नशेड़ियों से लेते हैं फिर, और नशेड़ियों पर क्या है, सेस है। और इवन आपको बताओ बड़ी बड़ी गाड़ियों पर भी है, आप गाड़ी मार्केट में लेने जाओ 3% छोटी गाड़ी पर है, 15% बड़ी गाड़ी पर है। तो तीन चीजें ऐसी हैं जहां पर सेस लगता है, पान मसाला, टबैको और आपकी गाड़ियां। ये हमारा जब चैप्टर मैं कराऊंगा ना, आपको कंपनसेशन एक्ट का चैप्टर कराऊंगा, उसमें सारी बातें लिखवाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझना कि जो गवर्नमेंट एक्ट वो लेके आई है ओनली फॉर दी कंपनसेशन, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो गया हमें उसकी भरपाई करनी है। और आपको मैंने बता ही दिया सर, शराब स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं छोड़ी, सबसे मोटा रिवेन्यू है। आप सब जानते हो मार्केट में चाहे गम है, मार्केट में चाहे खुशी है, शराब चलनी चलनी है। अगर गम होगा तो भी चलेगी, खुशी होगी तो डबल चलेगी। और सर कई बार मैं देखता हूँ लक्ष्मीनगर के अंदर, मैं जब सीए करता था तो मैं तो 8-10 साल लक्ष्मीनगर में रहा, क्योंकि सीए करने वाला बच्चे को एक ही सहारा मिलता है लक्ष्मीनगर का नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट पीजी मिल जाते हैं, गंदे फंदे सब बहुत होते हैं मिल जाते हैं। अब मैं 10 साल यहाँ पे रहा तो उस चलो मैं अब यहां से चला गया, तो नॉर्मली मैं लक्ष्मीनगर के अंदर जब बाहर डिनर करके जाता था ना, रात को 10-11 बजे मैं देखता था, मतलब रिक्शे वाले रिक्शा साइड में लगा के आराम से फुटपाथ, मतलब फुटपाथ पे लास्ट साइड में लेटे हुए पीने के बाद, और अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, तूने मुझे धोखा दिया मैं तुझे मार दूंगा, किसने किसको धोखा दिया किसी को पता ही नहीं है। और ये रियलिटी बता रहा हूं आपको, क्योंकि पीने के बाद ना आपके सेंसेस एक अलग ही चलते हैं। बच्चा कह रहा हाँ, कई बच्चे हैं। अच्छा आपने बोला तो ऐसे हाँ हाँ ऐसा होता है, अच्छा देखा है फिर ठीक है। अच्छा वो जो उसने हिरन उड़ा दिया था, अच्छा फुटपाथ पे जो चढ़ा दिया, हाँ हाँ हाँ। नहीं पीने के बाद नॉर्मली ऐसा होता है कई बार, जो सुना है मतलब सेंसेस आपके उसमें नहीं होते जो आप रियलिटी होती है, तो उसमें कई बार मैंने ये चीज देखी, आप लक्ष्मीनगर के अंदर जाओ रात को 11 बजे जाओ, आपको आधे लोग ऐसे मिल जाएंगे फुटपाथ पे, ऐसे अपने आप ही बातें, अपने आप ही बातें कर रहे हैं, कोई आपस में है ही नहीं, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। फिर उन्हें देख के डर लगता है कोई आसपास है, भूत भूत तो नहीं है भाई, तो उनको पता है भाई बहुत मोटा रिवेन्यू आने वाला है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, शराब हमारी है और बाकी सब कुछ तुम्हारा है। तभी संविधान में लिखा गया कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो हर गुड्स की सप्लाई पर लगा देंगे बट लीकर के सप्लाई पर नहीं लगाएंगे। अच्छा अब इतना बताना, एक बच्चा मुझे बोलता है सर ये चलो लीकर बाहर निकाल दिया, फिर तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो तो बजट में इसको चेंज कर सकती है, आज तो उनकी मेजोरिटी है भाई, राज्यसभा के अंदर भी है लोकसभा के अंदर भी है, उसको हटा दे अब तो शराब पर लगा दे। जैसे आपको पता हो इन्होंने एक्ट से बाहर नहीं निकाला, संविधान से बाहर निकाला है। सर राहुल गांधी को बात पता थी, मतलब उनको नहीं उनके पिछले वालों को पता थी कि भैया अगर ऐसा होगा ये दोबारा एक्ट अमेंड कर देंगे, तो उन्होंने क्या बोला, एक्ट से बाहर नहीं संविधान से बाहर निकालो। और जब संविधान से बाहर मतलब भैया अगर तुम्हें दोबारा कभी लाना है संविधान ही अमेंड करना पड़ेगा, और अब सब समझदार हो संविधान के अंदर तो भैया अमेंड करना आसान नहीं होता कभी भी। तो इसलिए आज लीकर पर जीएसटी अभी नहीं है और कभी भी नहीं है, लीकर पर जीएसटी अभी नहीं है और कभी भी नहीं है, और अगर फ्यूचर में कभी लाना होगा तो देश का संविधान अमेंड होगा तब जाके जीएसटी आएगा। ठीक है जी, अब इतना बोल देना, लीकर पर जीएसटी नहीं है ये तो समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, लीकर पर जीएसटी नहीं है यार, इसमें लीकर कंटेंट होता है उस पर जीएसटी नहीं है, लीकर पे नहीं है, कंटेंट वालों पर है। आपको पता हो परफ्यूम, डियो, मेडिसिन,
कफ सिरप, इन सब में लीकर कंटेंट होता है, चॉकलेट्स, कोरेक्स हो गया, लीकर कंटेंट होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इन पर जीएसटी लगेगा। मतलब हम ये नहीं कह रहे लीकर जिसमें मिक्स होगी वो सारा बाहर है, सर आज थोड़ी बहुत लीकर हर किसी गुड्स में होती है, हर मतलब ऐसा नहीं है कि सारे गुड्स में, नॉर्मली कह रहा हूं, बट हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं, मेडिसिन में तो बहुत ज्यादा होती है। आपको भी देखना जैसे आप कफ सिरप लेते हो नींद आ जाती है 2 मिनट के अंदर। रीजन भी क्या, क्योंकि आपने जब कफ सिरप लिया, आपने लीकर ली, वो आपके माइंड को क्या करती है, रेस्ट क्रिएट करती है और आप सो जाते हो। और छोटे से बच्चे देख लो, एक चम्मच कफ सिरप डालते हैं तुरंत सो जाता है वो। इट मीन्स आपको छोटे से बच्चे को देखा हो, जब भी तबीयत खराब होती है रम या ब्रांडी एक होती है, रम या ब्रांडी उसको पिलाते हैं कई बार, अगर ज्यादा कफ हो जाए तो उसको पीते ही बच्चा सो जाता है। पर बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे कफ सिरप है, बहुत सारे इवन जो आपका टॉयलेट प्रिपरेशन होती है हार्पिक, इनके अंदर लीकर कंटेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला उन सब पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, लीकर पर जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बियर, जो बियर होती है, वाइन जो होती है, ये सारी यहां से बाहर है। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा एक बच्चे ना, कल आप में से डाउट था, आप में नहीं था, बच्चा मुझसे पूछा था कि सर अगर हम आज रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, अगर वहां पर हम खाना पीना भी खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी ले रहे हैं और साथ में लीकर भी ले रहे हैं, तो फिर बिल कैसा कटता है? बिल 2 कटते हैं आपके। अगर आप साथ में लीकर भी ले रहे हो ना, तो आपका लगेगा उस पर वैट। आज भी लीकर पे ओल्ड टैक्स तो है ही है ना, आज भी ओल्ड टैक्स तो ही है, तो वैट तो लगेगा ही लगेगा। हाँ अगर आपने खाना खाया और साथ में लीकर ली तो 2 टैक्स लगेंगे, सिर्फ खाना खाया जीएसटी लगेगा, सिर्फ लीकर ली होगी तो सिर्फ वैट लगेगा। तो कभी यह मत सोचना कि लीकर मिक्स होकर जीएसटी के दायरे में आ जाएगी ना, अगर लीकर अलग से ली है तो लीकर पर रेट भी आपके अलग लगेंगे। ठीक है जी? तो मुझे लास्ट टाइम कंक्लूड कर दो, जीएसटी की डेफिनेशन क्या लिखी है स्टार्टिंग से, बोलो। जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर कोई भी जीएसटी आपका एप्लीकेबल नहीं है। ये बात क्लियर है जी? तो जी अब फटाफट से जीएसटी की डेफिनेशन लिख लो। इसलिए मतलब नहीं नहीं नालायक, वो तो हुई थी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी से, मतलब जो नोटबंदी की थी कि जो लोगों ने घरों में कैश छुपाया हुआ है 2 नंबर का पैसा, वो बाहर आए, कुछ नहीं आया बाहर। सीए लोगों ने सब काम खराब कर दिया। सर सीए का मतलब एक्चुअल में होता है चोर आदमी जो चोरी करना सिखाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, बट एक्चुअल में तो जब जिसको टैक्स की चोरी करवानी हो तो जाता तो सीए के पास ही है ना, और चोरी वही करवाता है जिसको चोरी करनी आती हो, ये भी ऑब्वियस ही बात है। अगर चोरी करनी नहीं आती होगी तो चोरी कैसे करवाओगे आप? तो वही है, सीए को उतना पढ़ना पड़ता है फिर तभी वो चोरी करना सिखा सकता है। नहीं हम चोरी के लिए नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं है कि आज ऑनेस्टी नहीं है, बट आप ऑनेस्टी से आप अपनी अर्निंग नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि आप अपना भाई चोरी ही हमेशा करते हो, क्लाइंट आपको आके बोलते हैं ना सर, आप थोड़े जाते हो क्लाइंट के पास मैं तेरी चोरी कराऊं, ठीक है ना? क्लाइंट आपका बोलता है कि मेरे को चोरी कराओ बस, फिर हमारी मजबूरी है करवा देते हैं। तो नोटबंदी फेल होने का रीजन ही कहीं ना कहीं सीए लोग बहुत थे। आज टैक्सेशन की लाइन ही मेन बहुत जबरदस्त लाइन है, अंधा पैसा है इस लाइन के अंदर। नहीं ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है। यस यस, सिर्फ ऊपर जो लिखे वर्ड है, सप्लाई का अलग मीनिंग है, गुड्स का अलग मीनिंग है, सर्विस का अलग मीनिंग है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये पूरी एक लाइन है कि लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होती है वो यहां से बाहर निकाल दो। हो गया नहीं? लो जी इधर सुनो ध्यान से। तो फाइनली अब जाके ना सर हमारे बेसिक्स खत्म हो जाते हैं, मतलब कह लो अब जाके हमारा बैकग्राउंड खत्म हुआ है, जो हमारे सिलेबस में टैक्स है वो क्या क्या है अब जाके खत्म हुआ है। तो अब जाके मैं अपने चैप्टर्स पे आऊंगा जी। अब
और सबसे पहला चैप्टर हम कौन सा करेंगे वो अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो ताकि मैं उस चैप्टर पे आ सकूं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? पक्का पक्का, क्योंकि अगर यहां तक क्लियर हो गया ना तो हमारा चैप्टर का बिल्कुल बेस बन जाएगा। अब सुना, ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। इधर देखो, आपको मैंने बताया कि जो भी आपके सिलेबस में टैक्स है सीए के अंदर, उसमें दो चीजें हैं जी, एक तो हमारा इनकम टैक्स है और एक हमारा जीएसटी है। अब मैं वो नहीं बोल रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब मैं इनकम टैक्स और जीएसटी बोल रहा हूं, क्योंकि समझ सकते हो इनकम टैक्स डायरेक्ट है और जीएसटी इनडायरेक्ट है। ये बात तो क्लियर है ना? अच्छा, एक तो इनकम टैक्स है और एक जीएसटी है। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो ये सिलेबस में आपके टैक्स हैं, इसमें से कौन सा टैक्स सेंट्रल लेवल का है और कौन सा स्टेट लेवल का है? पहले तो ये बताओ इनकम टैक्स क्या है, सेंट्रल लेवल का स्टेट लेवल का? पहले तो ये क्लियर करते हैं कि इनकम टैक्स जो हमारे सिलेबस में टैक्स है, ये टैक्स सेंट्रल लेवल का है या स्टेट लेवल का है? चलो, जो ये कह रहे हैं कि ये टैक्स जो है ना वो सेंट्रल लेवल का है, प्लीज एक बार हैंडल्स करना, मैं उनके चेहरे देख लूं एक बार। फिर वो कह रहे हैं इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का है, सेंट्रल। चलो, ऑलमोस्ट 100% क्लासी है। अरे, जो ये कह रहे हैं जीएसटी जो है वो सेंट्रल लेवल का है, जीएसटी सेंट्रल लेवल का है। कुछ बच्चे यहां पर हैं जो कह रहे हैं जीएसटी स्टेट लेवल का है। चलो, एक आधे बच्चे यहां पर, और जो कह रहे हैं जीएसटी दोनों लेवल का है। दैट इज करेक्ट आंसर। सर मे भी आपको बताओ, जीएसटी में ना आपका सीजीएसटी भी है और आपका एसजीएसटी भी है, वो सेंट्रल लेवल का है और ये स्टेट लेवल का। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप ये बोल रहे हो कि एक टैक्स सेंट्रल लेवल का है, ये टैक्स सेंट्रल लेवल का है, ये टैक्स स्टेट लेवल का है, तो हमें करना क्या है सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल का? अच्छा, एक बात मुझे बता, वैसे बताना, अगर मैंने बोला कि कोई टैक्स सेंट्रल लेवल का है, इसका मतलब क्या होता है? जो कलेक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बट उससे पहले सेंट्रल लेवल के टैक्स का मतलब ये होता है पूरे इंडिया में प्रोविजन सेम लगेंगे। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला सर, मैंने कहा हाँ भाई, कह रहा जी मैंने इनकम कमाई है दिल्ली में, मैंने इनकम कमाई केरला में, मैंने इनकम कमाई महाराष्ट्र में, जहां पर भी तू इनकम कमाना रेट सेम ही है, दैट इज सेंट्रल लेवल टैक्स। इट मींस पूरे इंडिया में कहीं पर जाओगे प्रोविजन सेम लगेंगे, उसको सेंट्रल लेवल का बोलते हैं। स्टेट लेवल मींस हर स्टेट में रेट अलग अलग लग सकते हैं। आपको शायद नाम पता हो वैट का, अच्छा वैसे किस किसने वैट वर्ड सुना हुआ है? सब ने सुना होगा, क्योंकि 17 से पहले भी वैट ही लगता था। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो 2017 से पहले कभी रेस्टोरेंट या कहीं पर खाना खाने गया हो? 17 से पहले कई बच्चे हैं। आपने कभी नाम सुना मूर्थल? मूर्थल सुना है? कहां पे है अपना? सोनीपत से थोड़ी जाके, जहां पे कई लोग पराठे खाने जाते हैं, सेल्फियां खींचते हैं वहां जाके, देखे ना आपने कभी? फीलिंग रिफ्रेश विद पराठा आलू। अब सोच के बोला, जहां पर आप मूर्थल अगर पता हो, मूर्थल हरियाणा के अंदर आता है। अब वही सेम पराठा अगर 17 से पहले मैं दिल्ली में खाता था तो वैट लगता था 12.5%। वही सेम पराठा अगर मैं मूर्थल में खाने के लिए गया, वैट लगता था 12.5%, प्लस में सेस लगता था वैट के ऊपर। इट मींस दोनों स्टेट में सेम पराठे पर दो तरह के टैक्स थे, क्योंकि वैट एक स्टेट लेवल का टैक्स था। सर वैट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया में 29 स्टेट थी, वो 29 स्टेट कहने को थी, वो 29 देश थे। हर स्टेट में वैट अलग, हर स्टेट में वैट अलग, इट मींस हर स्टेट में रेट अलग अलग है। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आया हरियाणा पंजाब बिहार, मैंने कहा मुझे नहीं पता, अपनी अपनी स्टेट में जाओ भैया, अपनी स्टेट में देखो तुम्हारी स्टेट में वैट क्या है, मैं कंसल्ट नहीं कर सकता। बट आज जीएसटी में क्या है, वन नेशन वन टैक्स, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओगे ना प्रोविजन जीएसटी के सेम ही है। बट उसमें एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सीजीएसटी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब ध्यान सुना कहना क्या चाहता हूं। इट मींस ये तो हमारे को क्लियर हो गया भाई, अगर कोई टैक्स सेंट्रल लेवल का है या अगर कोई स्टेट लेवल का है तो इसका पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसका पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये तो क्लियर है। अब एक बात में सोच के बोला, अगर सेंट्रल लेवल का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट लेवल का स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, सोच समझ के बोलना, अगर पैसा मैं इन गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं तो क्या इन टैक्स को बनाने वाली भी ये गवर्नमेंट होगी? सर आज इनकम टैक्स, सोच समझ के बोला, इनकम टैक्स बनाया किसने है? बहुत देर में आंसर दे रहे हो।
क्या इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, किसने बनाया? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी लॉ बनाती है? वैसे पूछ रहा हूं मैं तो, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी लॉ बनाती है? सर एक बात मैंने सोच के बोला, बहुत टाइम लगा रहे हो सोचने में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती होती फिर तो मोदी गवर्नमेंट रूलिंग में है, कोई भी एक्ट ले आती। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती होती, मोदी गवर्नमेंट रूलिंग में है, कोई भी लॉ ले आती, कभी भी डेली नए लॉ आते, नए नए एक्ट। क्यों? मेरे को पावर है। फिर तो मोदी गवर्नमेंट जो इतने ये आर्टिकल 370 CAA जो पास करती जा रही है, इतने सारे एक्ट गवर्नमेंट ला रही है, फिर तो GST जिस टाइम आया उस टाइम मोदी गवर्नमेंट उसके अंदर थी, रूलिंग के अंदर। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती फिर GST कब का आ जाता? तो पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कभी लॉ नहीं बनाती। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं? लॉ बनने के बाद उन्हें एग्जीक्यूट करती हैं। अब बच्चा कह रहा है, सर फिर लॉ बनाने वाला कौन होता है? और जो भी लॉ बनाने वाला होता है, जिन्होंने लॉ बनाए हैं, उसको पावर कहां से मिलती है? और जिनको भी पावर मिलती है, वो पावर इंडिया में कहां तक होती है? क्योंकि कई लोग हमने देखे हैं जेएनके पर नहीं लगते, और कई लोग जेएनके पर लगते हैं। तो क्या ये पावर ही नहीं है वहां लॉ लगाने की, या पावर होती है हम नहीं लगाते? तो ये सारी बातें जो होती है ना, ये सारी बातें आप सब जानते हो, इंडिया के संविधान में लिखी होती है। और जो हम जीएसटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि जो इंडिया का संविधान है, उस इंडिया के संविधान को यूज करके आज इंडिया में लॉ बनाने वाला कौन है, कौन बनाता है, पावर कहां से लेता है, पावर इंडिया में कहां तक होती है, ये सारी बातें उस इंडिया के संविधान में है। बट उससे पहले आपसे मेरे कुछ क्वेश्चन है, इतना बता देना, इंडिया के संविधान को बनाने वाला कौन है, किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अच्छा, कोई बताएगा इफेक्टिव डेट क्या है इंडिया के संविधान की? इफेक्टिव डेट क्या है, कब वो इंडिया में आया था, इफेक्ट हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपको तो रिपब्लिक डे इंडिया का संविधान उस दिन हमारा इफेक्ट में आ गया था। अच्छा, कोई बता सकता है इंडिया के संविधान की यूनिकनेस क्या है, यूनिक बात क्या है? इंडिया का संविधान पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंडिपेंडेंट नेशन है, सबसे बड़ा संविधान हमारे इंडिया का है, जिसमें 448 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल हैं। अब बच्चे के मन में डाउट कि सर 448 में से कितने आर्टिकल हमारे सिलेबस में कवर हैं सीए के? 448 में से टोटल जो है, टोटल मिला के 12 आर्टिकल हमारे सिलेबस में कवर है और एक शेड्यूल हमारे सिलेबस में कवर है। हाँ, इंटर लेवल पे तो 12 आर्टिकल हमारे सिलेबस में कवर है, एक शेड्यूल हमारे सिलेबस में कवर है। और अगर ये 12 आर्टिकल आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये 12 आर्टिकल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो मैंने कहा था ना जीएसटी में ICAI ने बोला सेक्शन 1 बेसिक ऑफ जीएसटी, आपका ऑलमोस्ट वो इसमें खत्म हो जाएगा। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि जीएसटी कब बना, कैसे बना, किस आर्टिकल से बना, बनाने वाला कौन है, पावर कहां से मिलती है, और जीएसटी को छोड़कर और भी जो टैक्स हैं वो कैसे बनते हैं, उनको लाने वाला कौन होता है, इंडिया में कहां तक पावर होती है, ये सारी बातें हम यहां पर सीखेंगे। ठीक है जी, तो आओ अब एक बार फाइनली हेडिंग डाल दो चैप्टर नंबर 1। लो जी, एक बार हेडिंग डालो जी, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में लिखो जी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, या ओब्लिक करके लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नए पैसे डालो, चैप्टर 1 की हेडिंग नए पैसे डालो, बिल्कुल फ्रेश पैसे, कोई बात नहीं, आधा पेज खराब हो जाएगा। हेडिंग डालो जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अब लिखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर वन लिखो जी। लिखो जी, टैक्सेशन के दो केस बनाओ, टैक्स दो तरह के होते हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल।
सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल के नीचे देखो मैंने क्या लिखा हुआ, लिखो सिमिलर प्रोविजन एप्लीकेबल एट पैन इंडिया लेवल। पूरे इंडिया लेवल पर सिमिलर प्रोविजन जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं सेंट्रल लेवल के टैक्स में। स्टेट लेवल में जी प्रोविजन में वेरी स्टेट टू स्टेट, प्रोविजन स्टेट टू स्टेट चेंज हो सकते हैं स्टेट लेवल के टैक्स में। आगे जी पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे लिखो क्वेश्चन अराइज, क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे माइंड में, क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है लॉ को बनाने वाला कौन है, मतलब आपके जितने भी लॉज हैं इंडिया में उसको बनाने वाला कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ही आता है। सेकंड क्वेश्चन लिखो जी, और जो भी लॉ को बनाने वाला है उसको बनाने की पावर कहां से मिली है, मतलब कहीं ना कहीं तो पावर मिली होगी ना, तभी तो लॉ बने होंगे, तो पावर कहां से मिली है क्वेश्चन नंबर टू। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, पावर इंडिया में कहां तक है, मतलब उस लॉ को इंडिया में हम कहां तक अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। और देखो इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के संविधान में ये सारी बातें लिखी हैं और ये हमें समझनी है वन बाय वन। ठीक है जी, अब लिखो जी यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर टू लिखो यहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्किटेक्ट इसको बनाने वाला कौन है, इसका ढांचा किसने तैयार किया है, दैट इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इसको बनाने वाले हैं। नाम सुना आपने वैसे कभी बी आर अंबेडकर का? ठीक है, अगला है इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट 26 जनवरी 1950। यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा संविधान हमारे इंडिया का है। आज पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं सबसे बड़ा संविधान जो बना हुआ है वो हमारे इंडिया का बना हुआ है।
और जीएसटी रिलेटेड आर्टिकल टोटल 12 हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, और शेड्यूल हमारे सिलेबस में एक है सिर्फ। पहले थे, पहले 395 आर्टिकल थे, अब 448 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल हैं। उसमें से 12 आर्टिकल हमें कवर करने हैं और एक शेड्यूल हमें यहां पे कवर करना है। ठीक है नहीं? अब इस 12 आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल हमें कवर करने हैं? आओ जी लिखो इसको एक बार, उनके नंबर लिखो आर्टिकल के। लो जी ऊपर लिखो जीएसटी रिलेटेड आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल जीएसटी रिलेटेड हैं। और सब ध्यान रखना, जो आर्टिकल अभी हम कर रहे हैं ना, जब मैं इनकम टैक्स स्टार्ट कराऊंगा फिर दोबारा नहीं कराऊंगा, क्योंकि सेम चैप्टर इनकम टैक्स में भी है, डिटो सेम चैप्टर इनकम टैक्स में भी है, सेम आर्टिकल वहां पर भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है संविधान तो एक ही होगा ना दोनों में। ठीक है, तो जो आर्टिकल की, जो आर्टिकल से पावर जीएसटी की मिलेगी वही सेम आर्टिकल वहां पर आएंगे इनकम टैक्स के अंदर, तो हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। वहां पर फिर दोबारा अगर कोई डाउट्स होगा तो पूछ लेना, सेम चैप्टर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम फिर। लिखो रही, पहला एक आर्टिकल नंबर 245, 248, 248, 254, 265, 270 और 271, और फिर 246A, 269A, 279A, आर्टिकल 366, 12A, आर्टिकल नंबर 1 और 7 शेड्यूल। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल है ना आपके, ये वाले जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या आप ऐसे बॉक्स के अंदर बंद करके लिख लेना, दैट इज न्यू आर्टिकल। मतलब ये आर्टिकल आप पहले नहीं थे, जीएसटी आने से पहले संविधान में ये आर्टिकल थे ही नहीं, मतलब बिल्कुल नए इंसर्ट हुए जीएसटी की वजह से। ठीक है ना, तो ये क्यों इंसर्ट किए, क्या रीजन था, तो हमें अलग से देखना पड़ेगा। ये बाकी जितने आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल पहले भी थे और आज भी हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो आर्टिकल नए हैं हमारे एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली पता है ना वो जीएसटी की वजह से नए आए हैं। तो वो जीएसटी की वजह से नए क्यों आए, ऐसा क्या हुआ, वो सारी की सारी बातें यहां पर है। जो ओल्ड आर्टिकल है वो सारे के सारे वो वाले हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरी डिवाइड कर दी मैंने, ओल्ड आर्टिकल और न्यू आर्टिकल। ओल्ड आर्टिकल एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, बट न्यू आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बन सकता है। ठीक है, लो जी अब यहां पे वन बाय वन हम आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस आर्टिकल की ना ऐसा करते हैं, लिखना इसके नीचे आर्टिकल नंबर 245, इसकी हेडिंग लिखो एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ये आर्टिकल नंबर 245 की हेडिंग है। फिर आर्टिकल नंबर 246 सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉस, नहीं एक साथ लिख लो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉस मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। फिर एक आर्टिकल नंबर 248 है, इसका नाम है रेजिडरी आर्टिकल, और एक आर्टिकल नंबर 254 है, इसका नाम है हु विल प्रिवेल।
इफ कंफ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। लो जी, आज की क्लास में हमारा टारगेट है बस ये चार आर्टिकल। वैसे होंगे नहीं आज, टाइम लगेगा काफी इनके अंदर, बट फिर भी कोशिश करूंगा इन चारों का थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूं इन चारों के अंदर हमें पढ़ना क्या है। लो जी, एक बार पहले चारों फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। स्टेट असेंबली, बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली, ठीक है ना, ये चार आर्टिकल जो हैं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 254 मैंने आपको लिखवाया था ना, यहाँ पे लिखवाया मैंने ऊपर, हाँ लिखवाया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लो जी, ये चार आर्टिकल हैं जो आज हमें करने हैं, ठीक है। अब एक बार ना बस मुझे आर्टिकल नंबर 245 की हेडिंग बोल के बता दो, मैंने क्या लिखी है। एक्सटेंड ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। एक बार 246 की हेडिंग बोल के बता दो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। अब प्लीज ध्यान सुनना सर, एक बात मैंने सोच के बताना, आर्टिकल नंबर 245 की ना हेडिंग ये है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। इट मींस यहां पर ना एक वर्ड आ रहा है एक्सटेंट। अच्छा, आप में से कोई बोल सकता है एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, किस हद तक, किस हद तक। इट मींस आर्टिकल नंबर 245 ये बात बोलता है कि पार्लियामेंट को जिस मैटर पर भी लॉ बनाने की पावर होगी ना, वो इंडिया में कहां तक होगी, वो 245 में लिखा हुआ है। स्टेट असेंबली को जिस भी मैटर पर लॉ बनाने की पावर होगी वो स्टेट में कहां तक होगी, वो 245 में लिखा है। तो पहली बात तो ये समझो, सेंट्रल लेवल के लॉ बनाने वाली पार्लियामेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने वाली स्टेट असेंबली होती है, स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं होती। और गवर्नमेंट ने बोला पार्लियामेंट, जिस भी मैटर पर तुझे लॉ बनाने की पावर है ना, वो इंडिया में कहां तक होगी, वो 245 में जाके देख ले। और स्टेट को जिस मुद्दे पर लॉ बनाने की पावर होगी, वो स्टेट में कहां तक होगी। अब सर एक बात सोच के बोला, आज दिल्ली एक स्टेट तरह, एक स्टेट काउंट करते हैं जीएसटी के अंदर। आज दिल्ली में कई सारे एरिया हैं, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, ये नगर, वो नगर, ये नगर, कितने सारे एरिया आते हैं। क्या हर एरिया में क्राइम ज्यादा है? हर एरिया में क्राइम तो नहीं है, कुछ एरिया में क्राइम है, कुछ एरिया में क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मान लो केजरीवाल साहब को कोई लॉ बनाना है, स्टेट के लिए लॉ बनाना है, तो क्या पूरी स्टेट में लगाना जरूरी है? 245 ने बोला नहीं। मोदी साहब ने कोई लॉ बनाना है, क्या पूरी इंडिया में लगाना जरूरी है? 245 ने बोला नहीं। 245 ये बात बोलता है कि जिस भी मैटर पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर होगी ना, वो होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया तक होगी। मतलब चाहे वो पूरी इंडिया पे लगा दे, चाहे इंडिया के कुछ हिस्से पर लगा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट असेंबली को जिस स्टेट पर लॉ बनाने की पावर होगी, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट तक होगी। बट मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास से बस ये आ रहा है, सोच समझ के बोलना सर। अगर मैंने बोला पावर है होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, बस इतना सोच के बोलना, 245 ने क्या बताया, किस किस मुद्दे पर लॉ बनाने की पावर है ये बताया, या कहां तक पावर है, किस किस मुद्दे पर है 246 में लिखा है। 246 कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। भाई ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां स्टेट लॉ बनाएगी। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा आर्टिकल पढ़ोगे, 245 या 246? 246 पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कौन से मैटर हैं, कहां तक लॉ बनाओगे, क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना। सर एक बात पर सोच के बोलना, पार्लियामेंट बोलती है मुझे पूरे इंडिया पर लॉ बनाने की पावर है, मेरा क्वेश्चन किस मुद्दे पर, मुझे पूरे इंडिया पर लॉ बनाने की पावर है, मैंने कहा किस मुद्दे पर, मुझे पूरे इंडिया पर लॉ बनाने की पावर है, मैंने कहा कौन से मैटर पर, कह रही मुझे पूरे इंडिया पर लॉ बनाने की पावर है, मैंने कहा है कमाल की बात भाई, पूरे इंडिया पर लॉ बनाने की पावर है वो हमें पता है, बट कौन से मैटर पर, 246 ने बोला मैं बताऊंगा। अब बच्चा एक बात बोलता है, बच्चा कहता है सर एक बात समझ नहीं आती, जब पहले 246 पढ़ना है फिर 245 पढ़ना है, तो संविधान में पहले ये क्यों नहीं लिख दिया, लिख देते, लिख देते, लिखने से क्या होता, सीए लोगों का धंधा खत्म हो जाता। सर अगर मैं लॉ को इतना आसान बना दूंगा, फिर कौन सा क्लाइंट मेरे पास आएगा,
सोचा ना, देखो सोचा, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने सोचा था नया स्लैब रेट लाएंगे और उससे लोग अब नहीं जाएंगे सीए के पास क्योंकि उसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिली, उन्हें यह नहीं पता था अब डबल जाएंगे। क्योंकि हर आदमी को भी ये टेंशन है कि मैं नया स्लैब रेट लूं या पुराना स्लैब रेट लूं, तो कौन बताएगा, पैसे लूंगा और बताऊंगा। तो वही चक्कर, अगर लोही इतना इजी हो जाएगा तो फिर तो हर क्लाइंट क्या करेगा, घर में बैठ के काम कर लेगा ना। सर गवर्नमेंट की तरफ से सुन लो ध्यान से, गवर्नमेंट की तरफ से एक फाइल आ गई, मान लो 6 महीने के बाद एक बुक आ गई गवर्नमेंट की, हाउ टू सेव टैक्स। घर बैठ जाओ फिर, सीए मत करो फिर, क्योंकि जब उसने स्टेप ही लिख दिए हाउ टू सेव टैक्स, फिर तो बंदा पढ़ के आंसर दे देगा ना। तो ये बताने वाला कौन है, सीए लोग ही है सर। तो पहले कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, पहले सेक्शन कौन सा पढ़ना है, ये हमें पता तभी हम बाहर बताते हैं। अगर बाहर वालों के बाद पता लग गई ना, हमारी वैल्यू उस दिन खत्म हो जाएगी। बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, पहले 245, पहले वो 245 पढ़ूंगा। हमें पता कि 245 वो पढ़ ही नहीं सकता 246 के बिना। बात समझ में आ रही है जी? अब सुना ध्यान से, आर्टिकल 246 में लिखा है सब्जेक्ट मैटर। अब मैं 246 के पास गया, मैंने आर्टिकल 246 से बोला, मैंने कहा आर्टिकल नंबर 246, यार एक बात मुझे बता भाई, ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिस पर पार्लियामेंट लो बनाती है और ऐसे कौन से मैटर हैं जहां स्टेट लो बनाती है। उसने मुझे बोला, विवेक एक बात देख, कि तू सबसे पहले इंडिया का ना संविधान ओपन कर। मैंने कहा ठीक है जी। लो जी, मैंने संविधान ओपन कर दिया, मेरे हाथ में संविधान है, मान लो मैंने ओपन कर दिया। उसने बोला इस संविधान में एक 7th शेड्यूल होगा। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने क्या किया, अपना 7th शेड्यूल निकाला। मैंने कहा हाँ हाँ, ये 7th शेड्यूल है। उसने कहा इस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होंगी, एक तो लिस्ट 1 होगी, लिस्ट 2 होगी और लिस्ट 3 होगी। लिस्ट 1 का नाम यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 का नाम स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 का नाम कॉन्करेंट लिस्ट। अब 246 ने बोला लिस्ट 1 में जितने भी मैटर होंगे ना, सब पर जिम्मेदारी जो होगी पार्लियामेंट की होगी। लिस्ट 2 में जो मैटर हम लिख रहे हैं, सब पर जिम्मेदारी स्टेट की है, और लिस्ट 3 में जो मैटर लिख रहे हैं वहां पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों मिलकर लो बनाए। हमारे लिए खुशी की बात इतनी है कि लिस्ट 3 हमारे काम की नहीं है, क्योंकि लिस्ट 3 में कोई भी टैक्स नहीं है। आज जितने भी टैक्स इंडिया में हैं, या तो लिस्ट 1 में है या वो लिस्ट 2 में है, लिस्ट 3 में कोई टैक्स आता ही नहीं है। अब सोच समझ के बोलना जी, 246 ने मुझे कितनी लिस्ट बताई है, बोलो ना फटाफट से, कौन 3, कौन कौन सी, 1, 2 और 3। 1 का नाम क्या है, 2 का नाम, 3 का नाम। अच्छा, लिस्ट 1 में जितने मैटर होंगे उस पर बनाने वाली कौन है, लिस्ट 2 पर और लिस्ट 3 पर, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों। ये बात क्लियर है? अब लिस्ट 1 में पार्लियामेंट बैठी है, लिस्ट 2 में स्टेट है, लिस्ट 3 में दोनों है। कोई जानकारी के लिए मुझे इतना बता सकता है लिस्ट 1 में टोटल कितने मैटर होंगे? नहीं, सारे सारे का मतलब, सारे मतलब क्या, मतलब लिस्ट 1 में टोटल कितने मैटर होंगे ऐसे कि जहां पर पार्लियामेंट लोग बना सकती है। लिस्ट 1 में 1 से लेके 97 तक मैटर लिखे हुए हैं जहां तक पार्लियामेंट लो बना सकती है। लिस्ट 2 में 66 तक मैटर लिखे हुए हैं, 1 से 66, मतलब 66 लो ऐसे हैं, 66 लो ऐसे हैं जहां स्टेट को पावर है, 97 लो ऐसे हैं जहां पार्लियामेंट को पावर है। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता सर एक डाउट आ रहा है। मैंने कहा क्या, कहते सर डाउट ये आ रहा है कि आपने बोला संविधान तो बना 1950 में, और संविधान बनाने वाले कौन थे, बी.आर. अंबेडकर। तो क्या उस टाइम उनके दिमाग में सब कुछ आ चुका होगा कि जितने लोग फ्यूचर के अंदर बनने हैं, अगले 100 साल के अंदर बनने हैं, क्या वो भी आ चुके होंगे? मैंने कहा नहीं। कहता अगर वो नहीं आए होंगे फिर तो उन्होंने यहां लिखे ही नहीं होंगे वो लोग, और अगर वो लोग यहां नहीं लिखे, यहां नहीं लिखे, यहां नहीं लिखे, क्योंकि सर 50, अब सोच के बोला 1950 में चलते हैं, 50 में हम सब बैठे हैं, अब क्या मुझे आज ही पता होगा 50 साल के बाद टैक्स कौन सा आएगा? मुझे क्या पता? और अगर मुझे पता ही नहीं, मैंने कहीं लिखा भी नहीं होगा, और अगर मैंने कहीं नहीं लिखा फिर लो कौन बना रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि जो भी लो संविधान के अगेंस्ट बनेगा वो एड एबिनिशियो, इनवैलिड लो है। तो भैया अगर कोई मैटर तीनों लिस्ट में कहीं भी बी.आर. अंबेडकर ने नहीं लिखे, फिर लो बनाने वाला कौन है? डॉक्टर साहब को पता था ये बात जरूर होगी, उन्हें पता था कि मेरे मरने के बाद कुछ लो ऐसे होंगे जो मैं नहीं लिख पाऊंगा, मुझे खुद पता ही नहीं होगा। उसलिए उन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल 248 क्रिएट किया, रेजिडरी आर्टिकल।
और उसमें क्या लिखा, जितने भी बचे कुचे लोग होंगे जो कहीं भी कवर नहीं होंगे ना, मैं पार्लियामेंट को पावर दे रहा हूं लो बनाने की, और एक लिस्ट वन में एंट्री नंबर 97 क्रिएट कर रहा हूं जिसमें सारे बच्चे कुचे लो बनेंगे। तो आज 97 टोटल एंट्री है लिस्ट वन में, और 97 इज ए रेजिडुअरी एंट्री, मतलब 96 96 एंट्री जो है वो स्पेसिफिक है, 97 में हजारों लो आते हैं, 97 कोई स्पेसिफिक नहीं है। इट मींस अगर कोई लो ऐसा है जो कहीं स्पेसिफिक नहीं दिख रहा, पार्लियामेंट बनाती है और 97 से बनाती है। तो आज ये बात ध्यान देना सर। अब मुझे फटाफट से बोल दो, लिस्ट वन लिस्ट टू और लिस्ट थ्री, लिस्ट वन का नाम क्या है, लिस्ट टू का नाम, लिस्ट थ्री का नाम। लिस्ट वन पे लो कौन बनाती है, लिस्ट टू पे, लिस्ट थ्री पे। और सोच के बोला लिस्ट वन में टोटल कितने मैटर हैं, 97। तो क्या ये सारे मैटर स्पेसिफिक है, एक जनरल भी है, एक जनरल है, जनरल कौन सा है, 97। और 97 आर्टिकल 245, 246 या 248, 248 ने क्या बोला, अगर कोई मैटर तीनों लिस्ट में कहीं पर भी नहीं होगा तो लो बनाने वाला कौन होगा, पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 248, लिस्ट नंबर वन, एंट्री नंबर 97। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा अब मेरे क्वेश्चन बस आपके लिए ये आ रहा है, इधर देखो, ये तीन लिस्ट हैं जी, लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री, ठीक है जी। लिस्ट वन में चार मैटर हैं ए बी सी डी, मान लो ये चार मैटर लिखे हुए हैं। लिस्ट टू में तीन मैटर है एक्स वाई जेड, इसमें दो मैटर हैं पी क्यू। पहले तो बताओ इन पे लो कौन बनाएगा, बोथ इन पे, इन पे। अब एक बात मुझे बताना यार, वैसे डाउट मेरे मन में आ गया बस खड़े खड़े, इन चारों मैटर पर लो बनाना पार्लियामेंट के लिए जरूरी है, अगर कोई मैटर लिस्ट वन में है तो क्या लो बनाना ही पड़ेगा, सोचना जो आप बोलोगे वही मानूंगा, क्या लो बनाना जरूरी है या जब रिक्वायरमेंट होगी तब जरूरी है, ऐसा ही है ना सर, अगर मैं कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं मैं लो क्यों बनाऊं। अब सुना, इन तीन मैटर पर रिक्वायरमेंट थी, पार्लियामेंट ने लो बना दिया था, इस मैटर पर रिक्वायरमेंट नहीं थी उसने लो नहीं बनाया था, क्या पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। लिस्ट टू में आओ, इन दोनों पर रिक्वायरमेंट थी स्टेट ने लो बना दिया था, इस पर रिक्वायरमेंट नहीं थी स्टेट ने लो नहीं बनाया था, और इन दोनों के हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि मेरा बात टैक्स का नहीं है और टैक्स लिस्ट थ्री में आता नहीं है, मेरी बात टैक्स की चल रही है, लिस्ट थ्री को तो एक बार इग्नोर करो। अब सुना ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, अगर कोई मैटर लिस्ट वन में है जहां पर पार्लियामेंट ने लो नहीं बनाया, अगर कोई मैटर लिस्ट वन में है जहां पार्लियामेंट ने लो नहीं बनाया तो क्या उस मैटर पर स्टेट लो बना सकती है, क्या उस मैटर पर स्टेट लो बना सकती है, यस या नो। चलो अगर कोई मैटर लिस्ट टू में है जहां स्टेट ने लो नहीं बनाया, क्या उस मैटर पर पार्लियामेंट लो बना सकती है, पहले तो ही बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन समझ नहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन ये है, एक मैटर लिस्ट वन में है जहां पार्लियामेंट ने अभी लो नहीं बनाया, उसको लग रहा है मुझे अभी जरूरत नहीं है बट स्टेट बनाना चाहती है, तो क्या स्टेट उस मैटर पर लो बना सकती है, पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन, एक मैटर लिस्ट टू में है, स्टेट लो बनाएगी बट उस पे पार्लियामेंट लो बनाना चाहती है, उसने अभी नहीं बनाया, पार्लियामेंट बनाना चाहती है, तो क्या पार्लियामेंट उस मैटर पर स्टेट के मैटर पर लो बना सकती है। जो ये कह रहे हैं स्टेट वाले पार्लियामेंट के मैटर पर लो बना सकते हैं, और जो कह रहे नहीं बना सकते, चलो जी, जो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट स्टेट के मैटर पर लो बना सकती है और जो कह रहे नहीं बना सकती, चलो अभी कई बच्चे आराम से बैठे हैं वो सोच रहे हैं, सब मोह माया। क्वेश्चन सर मेरा सिंपल सा एक ये है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन समझ गए, अच्छा आप समझ नहीं उनकी बात, क्वेश्चन सिर्फ ये आ रहा है, एक मैटर लिस्ट वन में लिखा हुआ है, 246 ने बोला पावर पार्लियामेंट की है, उसने उस पर अभी लो नहीं बनाया, स्टेट कह रही है मैं बनाना चाहती हूं, तो क्या स्टेट असेंबली लिस्ट वन के मैटर पर लो बना सकती है, पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन ये है, एक मैटर लिस्ट टू में है, स्टेट को पावर है, उसने अभी लो नहीं बनाया, उस मैटर पर पार्लियामेंट लो बनाना चाहती है तो क्या वो लो बना सकती है, ये दो क्वेश्चन मेरे हैं। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, जो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट स्टेट के मैटर पर लो बना सकती है, एक दो तीन चार, और जो कह रहे नहीं बना सकती,
चलो जी। और जो ये कह रहे हैं स्टेट पार्लियामेंट के मैटर पर लो बना सकती है, और जो कह रहे नहीं बना सकती। चलो जी, इसमें तो क्लैरिटी है, इसमें तो साफ साफ क्लैरिटी आ रही है कि भैया ये लोग यहां जा सकते हैं कुछ कह रहे हैं, बट ये कभी यहां नहीं जा सकते। इसमें तो बच्चे क्लियर है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर ये लोग यहां जा सकते हैं फिर लिस्ट टू की वैल्यू क्या है? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये लोग वहां जा सकते हैं फिर लिस्ट टू की वैल्यू क्या है? फिर तो लिस्ट टू पे जो लोग बनेगा पार्लियामेंट को लगेगा अच्छा नहीं है, मैं लो बनाऊंगी जी। सर अगर ऐसा होता फिर तो सारे मैटर लिस्ट वन में ही लिख देते। तो डॉक्टर साहब ने साफ साफ लिखा है कि लिस्ट वन में जो मैटर है एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट के हैं, लिस्ट टू में एक्सक्लूसिव स्टेट के हैं, बट लिस्ट टू के मैटर पर भी पार्लियामेंट आ सकती है दो केस के अंदर। या तो कोई मैटर जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा है और स्टेट खुद चाहती है कि तुम लो बना दो, वो बना सकती है। और दूसरा अगर कोई इमरजेंसी लग गई, देश में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, ऐसा कुछ दोबारा हो गया और स्टेट के हाथ पैर फूल गए, भैया मेरे बस का नहीं है, तो पार्लियामेंट उस केस में लो बना सकती है। इन दोनों केस को छोड़कर पार्लियामेंट कभी भी स्टेट के पास नहीं जा सकती। और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, इंडिया के संविधान में ही लिखी हुई है ये बातें कि अगर नेशनल इंटरेस्ट वाला है, इमरजेंसी वाला है, तब ये लोग यहां जा सकते हैं, उसको छोड़कर ना तो ये यहां पर आएंगे ना ही यहां पर आएंगे। बस ये पर ध्यान देना, आर्टिकल 370। नहीं नहीं सर, वो तो नहीं, इमरजेंसी एक अलग चीज होती है। जो 470 लगा पूरे इंडिया पर थोड़ा लगा था, वो तो मतलब इमरजेंसी पूरे देश में लग गई थी ना इंदिरा गांधी के टाइम में। अब पूरे देश में इमरजेंसी लग गई तब उस केस में लो बनाना है, तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है स्पेशल। अगर किसी के पर्टिकुलर एरिया में इमरजेंसी लग रही है उस केस की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है जी। अच्छा आप ध्यान सुनना जी, अब मुझे कंक्लूड करो फटाफट से। 245 की हेडिंग क्या है? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। 246 की हेडिंग क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट। 248 की हेडिंग क्या है? रेजिडरी आर्टिकल। और 254 की हेडिंग क्या है? Who will prevail if conflict between parliament or state assembly? I think आप इस आर्टिकल को तो इनकी लैंग्वेज से ही समझ गए होगे कि अगर कोई मैटर लिस्ट थ्री में है, दोनों ने बनाया, कन्फ्लिक्ट हो गया, तो प्रिवेल कौन करेगी? पार्लियामेंट। ये 254 में लिखा है, बस ये 254 में है। अब सुनना जी, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ता हूं। अब मेन क्या दिक्कत आती है जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं उसका जीएसटी से क्या इफेक्ट है, इधर देखो। ये समझ में आ गया, एक सेवन शेड्यूल होगा, उसमें तीन लिस्ट होंगी 1, 2, 3, ठीक है? ये समझ में आ गया। लिस्ट वन में पार्लियामेंट बैठी होगी, लिस्ट टू में स्टेट बैठी होगी, लिस्ट थ्री में ये दोनों होंगे, बट प्रिवेल करेगी पार्लियामेंट, ठीक है? ये लोग यहां नहीं आ सकते और ये लोग वहां नहीं जा सकते, मतलब ये दोनों आपस में नहीं आ सकते, बट ये वाले लोग कभी 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 कुछ केस में वहां जा सकते हैं, बट ये लोगों का तो गेट ही बिल्कुल बंद है, तुम तो यहां आ ही नहीं सकते। ये भी हमने किया। और अगर कोई मैटर यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ये लो बनाती है आर्टिकल नंबर 248, और एक एंट्री नंबर 97 होती है उससे लो बना देती है। अभी हमने सारी बातें ये की। अब हमें ना ये समझ में आ गया कि किस किस मुद्दे पर किसको लो बनाने की पावर होती है। अब अगला क्वेश्चन, पावर इंडिया में कहां तक होती है? अब जब मैं 245 के पास गया ना, उसने बोला पार्लियामेंट जिस मैटर पर भी लो बनाने की पावर रखती है होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, और स्टेट की पावर होती है होल ऑफ स्टेट और। अब मैं आपसे एक वर्ड बुलवाना चाहता हूं तीन बार, पार्लियामेंट जिस मैटर पर भी लो बनाती है उसकी पावर कहां तक होती है? होल ऑफ इंडिया और, तीन बार यह वर्ड बोलना है। पहली बार बोलो होल ऑफ इंडिया और, होल ऑफ इंडिया और, होल ऑफ इंडिया और। अब सोच के बोला, एक वर्ड आपने बोला इंडिया, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं इंडिया क्या है, इंडिया की डेफिनेशन क्या है? सर इधर देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन जीएसटी में जहां बच्चा मार खा के आता है, इधर देखो ध्यान से, ये इंडिया की बेस लाइन है, नीचे श्रीलंका घूम रहा है, ठीक है? ये सारा पानी है, ये सारा पानी है, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। इसमें अब स्टेट कितनी है? 28, और यूटी कितनी है? 9। ये तो मेरा इंडिया है, इसमें कोई स्यापा नहीं है,
इसमें कोई क्लेश भी नहीं है। मेरा क्वेश्चन बस ये है, क्या यह पानी इंडिया है? क्या ये पानी इंडिया है या नहीं है? यस या नो? अच्छा, कितना पानी इंडिया है? एक बाल्टी, दो बाल्टी, कितना? जितना वाइपर से अंदर आ जाए। कितना नोटिकल माइल्स? कितने नोटिकल माइल्स? इधर सुनो ध्यान से, इस बेस लाइन से 12 नोटिकल माइल्स, ये हमारा इंडिया है। और इस बेस लाइन से, सुन लेना, क्वेश्चन बनेंगे अब जीएसटी के, इस बेस लाइन से 200 नोटिकल माइल्स, ये भी हमारा इंडिया है, बट ओनली फॉर ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस। 12 तक कुछ भी काम करोगे आप, करोगे पानी में ही, बट हम मानेंगे इंडिया में किया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, जीएसटी में अभी क्वेश्चन नहीं बना अभी तक, क्योंकि अभी नया नया आया है। इनकम टैक्स में कई बार क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन पता क्या बन गया, एक चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 डेज रहता है ना, तो उसको हम रेजिडेंट मान लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, 60 दिन रहा हरियाणा में, 50 दिन रहा पंजाब में, इतने दिन रहा यूपी में, उसने बोल दिया इतने दिन रहा 6 नोटिकल माइल्स में। अब जब उसने बोला 6 नोटिकल माइल्स में रहा, अब जिसको इंडिया की डेफिनेशन पता है वो तो आंसर दे देगा, बट इसको यही नहीं पता कि पानी में भी इंडिया है, वो आंसर क्या देके आएगा? वो क्या सोच रहा होगा, ओहो 6 नोटिकल माइल्स में रहा, डूब गया होगा, पानी था ना, डूब गया होगा। अब भैया डूब गया या बच गया वो ये नहीं जानना चाह रहा कि उसके हालात क्या है, वो जानना चाह रहा ये बता तू आ रहा है वो है ना रहा है। तो भैया पानी में रहा या नहीं रहा आंसर तभी दे पाओगे अगर आप ये पता लगेगा कि इंडिया कहां तक है। और ये जीएसटी में क्या इफेक्ट डालेगा, जीएसटी पूरे इंडिया पर है इंक्लूडिंग जीएनके। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया, एक पर्सन ने इस पानी से इस पानी के बीच में सप्लाई की है, बताओ जी। अब अगर इस पानी से इस पानी के बीच में सप्लाई की, सप्लाई इंडिया में की ना, इंडिया में जीएसटी है, कौन सा जीएसटी लगेगा पानी के बीच में? आपने इस पानी से यहां पे सप्लाई कर दी, अब यहां पे तो एक स्टेट होगी, ये पानी होगा, बताओ क्या मानू मैं, इंटर मानू, इंटर मानू, अगर इंटर मानूंगा तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इंटर मानूंगा तो आईजीएसटी। तो कौन सा जीएसटी कब लगेगा सर, वो डिपेंड करता है ये पानी मेरा क्या है। इस पानी से इस पानी में सप्लाई कर दी मैंने, ये भी पानी मेरा इंडिया है, ओनली फॉर ऑयल पर्पस वाला। अब ये अगर इंडिया है, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो वो काम ऑयल का है, बच्चे को नींद आ रही है पानी पी लो, अब अगर मान लो वो काम ऑयल का है तो ये वाला पानी इंडिया है, ये भी पानी इंडिया है, यहां से यहां सप्लाई की, तो जीएसटी कौन सा? सर बहुत बड़े क्वेश्चन अराइज होते हैं जीएसटी के अंदर, 99% बच्चा घर से सीख के जाता है। क्या सीख के जाता है कि स्टेट से स्टेट के बीच में सप्लाई की इंट्रा, दूसरी स्टेट में सप्लाई की इंटर, मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है पानी में सप्लाई की तो क्या होगा। क्योंकि जीएसटी पूरे इंडिया पर है जी, और इंडिया में जेएनके तो आता ही आता है, और ऑब्वियस सी बात है पानी आपने बोल दिया पानी इंडिया में आएगा, तो अगर पानी में सप्लाइयां चल रही हैं तो उसमें क्या करोगे बच्चा? अगर क्या सप्लाई चलती होगी, बिल्कुल पॉसिबल है सर, यहां एक शिप है, यहां एक शिप है, आपस में सर्विस दे दी, आपस में सर्विस दे दी, इस शिप वाले ने इस शिप वाले को मैकेनिक की सर्विस दी, उसका शिप सही कर दी, उसके पैसे चार्ज कर दिए, और दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे जीएसटी कौन सा लगा, क्योंकि दोनों पानी के अंदर खड़े हैं, और ये दोनों पानी किस स्टेट के अंदर कवर होंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो आर्टिकल 245 में एक वर्ड आया होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का मतलब क्या है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं मैं कि जीएसटी में इंडिया अलग है, कस्टम में इंडिया अलग है, और इनकम टैक्स में इंडिया अलग है। इट मीन्स जो इंडिया की डेफिनेशन आप जीएसटी में करोगे वही सेम डेफिनेशन इनकम टैक्स में है, ऐसा जरूरी नहीं है। कस्टम तो हमारे एग्जाम में आई नहीं ना, बट इतना ध्यान रखना कि इनकम टैक्स और जीएसटी जो हमारे एग्जाम में है, इन दोनों में ही इंडिया की डेफिनेशन अलग अलग है। इट मीन्स आपने मुझे यहां पर बोला भाई ये स्टेट है, ये यूटी है, ये पान इंडिया है, ये पान इंडिया है, यही डेफिनेशन इनकम टैक्स में होगी, ये भी जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करते हैं इंडिया क्या है। इंडिया क्या है? एक तो बेसलाइन इंडिया है, इस बेस लाइन से 12 नोटिकल माइल्स, ये हमारा इंडिया फॉर ऑल पर्पस। ऑल पर्पस मतलब इस 12 में तो कुछ भी करो यार, इस 12 में तो कुछ भी करो, किसी भी काम का कोई भी चीज करो वो इंडिया ही मानेंगे। बट अगर इस 200 को इंडिया मानना है वो कब मानेंगे? ओनली फॉर ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस।
और आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों ये डेफिनेशन पे जोर डाल रहा हूं, क्योंकि सर जीएसटी पूरे इंडिया पर है, और इंडिया पर अगर जीएसटी है तो कौन सा जीएसटी मुझे लगाना है एग्जाम में। जब ये पानी वाले क्वेश्चन बन गए वो क्या बोलेंगे बताओ जी, इस ये कस्टम पोर्ट है ना, मान लो मुंबई कस्टम पोर्ट है, वो क्या बोलेगा इस कस्टम पोर्ट से इस पानी में सप्लाई की है। अच्छा कई बार बच्चा देखो कमाल की बात क्या बोलता है, कहता अच्छा यहां से यहां सप्लाई की है तो इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा। मैंने कहा आईजीएसटी कब लगता है सर, अगर दो स्टेट में सप्लाई करो। मैंने कहा एक स्टेट तो है, कि ये भी स्टेट है, कि ये पानी भी स्टेट है, तो पानी को मानना क्या मैं? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको मेरे? आपको मेरी बात समझ में आती भी है या वैसे आके बैठ जाते हो? आती है ना आपको मेरी बात समझ में? तो मतलब यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने सप्लाई पानी के बीच में की है तो जीएसटी कौन सा लगेगा, ये बहुत बड़ा टास्क है सर, क्योंकि जीएसटी मैं दोबारा बोल रहा हूं पूरे इंडिया पर है, और इंडिया का मतलब ये है। तो आर्टिकल नंबर 245 में वर्ड लिखे ना होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया की डेफिनेशन जीएसटी में क्या है अब वो हमें यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमें करनी है, उससे पहले एक सेकंड बस फटाफट से ये डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बस ये बना लो छोटा सा, कहां पर क्या, बाकी फिर हम ये जो सिचुएशंस मैंने अभी समझाई है ना ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बस जो मैंने अभी वो आपको बताया है कि वो आर्टिकल लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री ऊपर हेडिंग डाल देना समरी डायग्राम ऑफ आर्टिकल 245, समरी डायग्राम कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ना ये वाला, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है समरी डायग्राम ऑफ आर्टिकल 245, 246, 248 एंड 254। बनाओ जी नेक्स्ट क्लास में ना आपको चैप्टर 1 के नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद फिर हमें बुक मिल जाएगी, ठीक है जी। चैप्टर 1 के मैं नोट्स दूंगा, देन उसके बाद कंप्लीट जीएसटी की बुक मिल जाएगी आपको। और प्लीज बुक डेली कैरी करना, क्योंकि बुक में से हमें काफी प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे, जो बेर एक्ट की लैंग्वेज होती है वो पढ़नी पड़ेगी, कि एक्ट बनता कैसे और एक्ट में लिखा कैसे होता है। तो लिस्ट 1 में तो देखो मैंने लिखा है कि पार्लियामेंट, लिस्ट 2 में स्टेट है, और लिस्ट 3 में दोनों है। अरे जहां दोनों है ना वहां शायद मैंने लिखा नहीं है, यहां लिख देना पार्लियामेंट विल प्रिवेल।
इफ कंफ्लिक्ट। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आर्टिकल 254 में लिखी हुई है बात। अगर दोनों में कंफ्लिक्ट होगा तो पार्लियामेंट जो होगी वो प्रिवेल कर जाएगी। हो गया नहीं यहां तक? लो जी, अब ऐसा करो इनको कंबाइन कर दो, इन सारे आर्टिकल को कंबाइन कर दो। और नीचे देखो मैंने क्या लिखा है कि इफ एनी मैटर नॉट कवर्ड इन लिस्ट 2 एंड 3 देन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम एंट्री नंबर 97 और लिस्ट नंबर 1। भाई अगर कोई मैटर तुम्हारा किसी भी लिस्ट में कवर नहीं होगा ना, किसी भी लिस्ट में कवर नहीं होगा, तो उस मैटर पर लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होगी लिस्ट नंबर 1 की एंट्री नंबर 97 से। हो गया जी, लो जी, तो ये हमारे आर्टिकल हैं। बस अब एक वर्ड जो हमारे यहां पर लिखा है, होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया और स्टेट का मतलब क्या है, ये सारी के सारी बातें डिटेल में ना फिर हमें नेक्स्ट क्लास में समझनी है। तो आपने बस एक काम करना है आज, एक तो आर्टिकल नंबर 245 ये घर जाके रिवाइज करके आने, 246 आपने रिवाइज करना है, 248 और 254 बस ये आर्टिकल एक बार अपने घर से रिविजन करना है जो मैंने नोटिंग कराई है। नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाता हूं, देखो नेक्स्ट क्लास में ना आपका ये डायग्राम हमें बनाना है कि लेट्स एन एग्जांपल, देखो ये इंडिया की बेस लाइन है, अब बीच में ये सारी स्टेट है, ये मान लो यूटी है, ये स्टेट है। अब अगर इसके बीच में सप्लाई की फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है भाई जीएसटी कौन सा लगेगा। बट अगर मैंने सप्लाई यहां से यहां की है, 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 ये सारी की सारी बातें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि अगर पानी के बीच में सप्लाई की है तो जीएसटी कौन सा लगेगा। ठीक है जी, तो वो नेक्स्ट क्लास में जब इंडिया की डेफिनेशन कराऊंगा ना, उसमें सारी बातें हम समझेंगे कि भैया जीएसटी इस केस में कौन सा हमें लगाना है। ठीक है, तो उससे पहले बस आपने एक बार रिवीजन करके आनी है ये वाली, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो अच्छा अभी 5 या 7 मिनट का एक छोटा सा हमारे यहाँ पे लो पढ़ाते हैं संजीव सप्रा सर, सिर्फ 5 मिनट वो आपके लेंगे, उसके बाद फिर आप जा सकते हो। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। खड़े होके बोला करो, वैसे अच्छा होता है, देश के लिए बुलवाता हूँ, अपने लिए नहीं बुलवाता। दोबारा से बोलोगे? चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलो फिर बाकी सिर्फ 5 मिनट यहाँ पे बैठ जाना कल। हाँ फास्ट टैग बैच वालों की थी।